शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पैसा नहीं देंगे तो कहीं अपनी बेटी देंगे तुमको? अपनी जिद के जुए को सताव पर लगा बैठा हूँ। या तो तेरे गले में मंगलसूत्र बंधेगा या मेरे गले से मंगलसूत्र उतर जाएगा। मजदूरी के ज्यादा पैसे चाहिए ना तो मैं दिलवाता हूँ, मेरा वादा है, लेकिन तुम लोग काम शुरू करो। इन्हीं देने दिलाने के वादों में बरसों बीत गए। नहीं नहीं रामू, यह आखिरी बार है, इसके बाद तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। ये देखो, पूरा उगा हुआ धान पानी में खड़ा है, अगर आज इसे काट कर सूखी जमीन पर नहीं डाला गया तो सब फसलें बर्बाद हो जाएंगी। हो जाने दो, ठाकुर हमेशा हमारी जिंदगी की फसलें बर्बाद करता चला आया है, आज उसकी फसलें बर्बाद होने दो ताकि उसे भी एहसास हो कि तकलीफ क्या चीज होती है। ये तो ठाकुर के तलवे चाटने वाला चमचा है। अरे ये तो उसका दर खरीद गुलाम है, उसकी तरफदारी करेगा ही। जा रहे गोविंद, बोल दे अपने ठाकुर को जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हमारी तरफ से हड़ताल जारी रहेगी। My darling brother Edward, come on, come on, come on, catch the ball, ball, ball here, here, aya, catch it, one, two, yeah, catch it, come on. वाह वाह वाह, कैसी औलाद तुमने मेरी झोली में फेंकी है, जो कुत्ते को भी ब्रदर बोलता है। वाह, सुबह का नाश्ता कुत्ते के साथ, दोपहर का खाना कुत्ते के साथ, यहाँ तक कि रात का सोना भी कुत्ते के साथ है। एक बात तो बताओ भागवत, कहीं बचपन में बच्चे बदल तो नहीं गए थे? क्या मतलब? मेरा मतलब है हमारा बच्चा किसी और के घर, कुत्ते का बच्चा हमारे। जरा तो जबान पर काबू रखो, जो मन में अनाप शराब आता है बोलते रहते हो। तो और क्या करूँ, ये कोई औलाद है मॉम? अरे डैड और मम को मारो बम, पहले से दूर करो। डैड ये तो आपका जुल्म है, आपको मेरी हर अदा से चिढ़ है। अदा? कैसी अदा? अरे जो इसे अदा कहे वो गधा है, गधा। डैड बस बस शक्ति, बहस मत करो, इसे ले जाकर बांध दो और चलकर नाश्ता करो। कम ऑन ब्रदर। मालिक क्या बात है गोविंद? खेतों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी, अड़ कर बैठे, जब तक उनका मुआवजा नहीं बढ़ाया जाता काम नहीं करेंगे। क्या मुसीबत है डैड, ये मजदूरों की जात है ही नमक हराम, जब भी कोई खास मौका आता है तो ऐसी अड़ीबाजी करते हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं दूसरे गाँव जाकर दूसरे मजदूर लेकर आता हूँ और इन सालों के मुँह में जूता मारता हूँ। गोविंद तुम डैड को लेकर खेत पर जाओ, मैं मजदूर लेकर आता हूँ। चल एडवर्ड। ये सब क्या है, इस तरह काम छोड़कर बैठना नमक हरामी है। आज तुम सब लोगों ने मेरा अपमान किया है, उस कानून की तोहिन की है जो पीढ़ियों से इस गांव के मजदूर मानते चले आ रहे हैं। इन नमक हरामों को कानून सिखाने की कोई जरूरत नहीं है डैड, ये समझते खड़ी फसल से हमारी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठा लेंगे। हर किस नहीं, इनकी हड़ताल का मुंह तोड़ जवाब लेकर आया हूँ मैं, ये मजदूर लेकर आया हूँ पास के गाँव से, ये काटेगा फसल, शुरू हो जाओ। हेलो, चलो भाइयों, डरते क्यों हो, मैं हूं ना, आओ मेरे साथ। खबरदार, किसी ने भी खेत में जाने की कोशिश की तो पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगा। आप बीच में मत बोलिए पिताजी, ये हम किसानों का आपसी मामला है। देखो भाइयों, ये ठाकुर ये जमींदार वर्षों से तमाम किसानों का हक छीनते आए हैं, इसीलिए हम लोगों ने काम बंद करने का फैसला किया है और आज हम लोगों का हक मानने के लिए तुम लोगों को बुलाया है। लेकिन याद रखना, यही हालत कल तुम्हारी भी हो सकती है। मेहनत हमारी माँ है, मजदूरी हमारा ईमान है, इस रिश्ते से हम सब भाई हैं।
हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। हमें दिखाना है एक दौलत वाला दूसरे दौलत वाले को धोखा दे सकता है, लेकिन एक मजदूर दूसरे को नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में। ठाकुर साहब, आप अपने फायदे के लिए हम किसान और मजदूर भाइयों को आपस में लड़वाना चाहते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। बेटे, हमें माफ कर दो, हमें मालूम नहीं था, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। चलो भाइयों, बुजुर्गों, भाई मानो, जाओ, सब चले जाओ। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी की। मैं खुद फसल काट लूंगा, हरामी साले। छोटे ठाकुर, तुम्हें सब कुछ करना मंजूर है, लेकिन इन गरीब मजदूरों को उनका हक देना मंजूर नहीं। अगर इनके सर पे प्यार से हाथ नहीं फेर सकते तो मत फेरिए। और तुम्हारी फितरत इन्हें मारने की है तो इनकी पीठ पर मारिए, पेट पर नहीं। अगर एक मुट्ठी अनाज तुम इनकी झोली में डाल दोगे तो इसके बदले ये लोग तुम्हें हजारों मन अनाज पैदा करके दिखाएंगे। हजारों मन अनाज का लालच मत दो हमें। अपनी बात मनवाने के लिए हमारे फायदे का लालच दे रहे हो, तो सियासी चाल चल रहे हो? अरे भाड़ में गई इनकी चाल और भाड़ में गई ये फसल। सड़ती है तो सड़ जाए, लेकिन हम इनके आगे कभी सर नहीं झुकाएंगे, इनकी मांगे कभी कबूल नहीं करेंगे। चलो डैड। अतरव अतरव इच्छा, ऐसे कैसे सड़ने देंगे छोटे ठाकुर। हम अभी और इसी वक्त फसल की कटाई शुरू करेंगे और अपने हक का अनाज लेकर बाकी अनाज तुम्हारी हवेली पर पहुंचा देंगे। चलो भाई शुरू करो। मैं भी देख लूंगा। जय जवान, जय किसान। हाँ, हे माँ लक्ष्मी का भाई। भैया। ए मेरी बहनो, तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे मन की सुखी खेती पर प्यार की बौछार पड़ गई। पानी पी। एक बात पूछो, तुम दोनों साधु सन्यासी हो क्या? तुम लोगों को आने से पहले एक दूसरे का पता कैसे चल जाता है? थोड़ी देर पहले लक्ष्मी पानी लेने ये कहकर भागी कि भैया आ रहा है, और तू आते ही पूछ रहा है लक्ष्मी कब आई। माँ, इसे प्यार की वायरलेस कहते हैं। आंखों से देखे बगैर, हाथों से छुए बगैर, मन के रेडियो पर खबर आ जाती है कि जिस बहन को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हो वो आ गई। जी लक्ष्मी। अच्छा अच्छा, तुम दोनों का प्यार से जी भर गया हो तो अब खाकर पेट भी भर लो। इसे देर हो रही है, जल्दी घर जाना है। तेरे जीजा जी इसका इंतजार कर रहे होंगे। चलो भैया, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना मुंह को आदत पड़ गई तो कल से खाना गले से नीचे नहीं उतरेगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा, मुझे याद करते जाना और खाते जाना, कभी मेरी कमी महसूस नहीं होगी। चलो खाना खाते हैं। चलो। अरे ओ बाप के दुश्मन, तू मुझे बुढ़ापे में इस गांव में आराम की जिंदगी गुजारने देगा या नहीं? आखिर तेरा इरादा क्या है? अरे मालिक के मामलों में दखल देने की तुझे जरूरत क्या है? तू क्या अपने आप को इस गांव का ठाकुर समझता है, जमींदार समझता है? अरे हुआ क्या है, क्या क्या है इस बेचारे ने जो आते ही इस पर बरसना शुरू कर दिया? ये बेचारा, ये बेचारा एक दिन हमारे मुंह का चारा छीन कर रहेगा। पर आखिर हुआ क्या है? अरे किसका अनाज कौन कहाँ ले जाए, इससे इसे क्या मतलब? अब ये मालिक लोगों के मुंह लगने लगा, उन्हें धमकियां देने लगा। वो तो मेरा मुंह देखकर माफ कर दिया इसे उन्होंने, वरना क्या सुली पर चढ़ा देते। देखा देखा, इसी तरह ये जबान को लगाम नहीं देता, पर इसीलिए मुझे उनके सामने सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ता है। अरे वो खानदानी बड़े लोग हैं। तो क्या हुआ है? तो क्या हुआ, इनको खानदानी गुलामों की तरह गुलामी करके उनके पैर दबाने की क्या जरूरत है? जो सेवा चाकरी उस बड़े आदमी की पत्नी को करनी चाहिए, तुम्हारा बाप क्यों करता है? ये कहकर लोग मेरे मुंह पे थूकते हैं, जी करता चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। अरे हम लोग जो अनाज खाते हैं वो उनका दिया हुआ है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। उसके बदले में दिन रात गधों की तरह मेहनत भी करते हैं, ये बात भी उन्हें भूलनी नहीं चाहिए। ओ, मैं कह कहकर थक गया, ये अपना रवैया बदलता नजर नहीं आता। और मैं भी सह सह कर थक गया, लेकिन ये अपना लेक्चर देना बंद करते नजर नहीं आता। बाप बेटा झगड़ना बाद में, पहले चलकर खाना खाना। अरे भाड़ में गया तेरा खाना, मुझे नहीं चाहिए। भैया तुम तो खा लो। अरे भाड़ में गया तेरा खाना, मुझे नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ तुम दोनों अपना गुस्सा खाने पे क्यों निकालते हो? चलो उठकर खाना खा लो। इस घर का खाना हराम है मुझ पर। मैं कहती हूँ तुम खाना खाने चलोगे या नहीं? कह दिया ना, चली जाओ यहाँ से चुपचाप। पहले खा लो फिर झगड़ना भैया। इस घर का खाना हराम है मुझ पर, मैं कहता हूँ चली जा चुपचाप यहाँ से। अगर ये दोनों खाना नहीं खाएंगे तो हम दोनों भी नहीं खाएंगे। बिल्कुल। अच्छा बाबा आता हूँ। अच्छा बाबा आता हूँ।
शर्म बेचकर खा गई।
अरे जालिम, जब मन में प्यार की आग लगती है तो शर्म की चिता पहले ही जल जाती है, और अब तो मेरा रोम रोम इस आग में जल रहा है। रवि, इस शरीर के पैमाने में जो जवानी की शराब उछल रही है, आज उसे पी ही डालो। खामोश! दोबारा ऐसे गिरे हुए बेशर्मी के शब्द मुंह से निकाले तो तेरा चेहरा ऐसे बिगाड़ दूंगा कि लोग तुझसे डरने लगेंगे। अगर मन में पाप की आग है तो जा, किसी पापी आदमी को ढूंढ ले। ठीक है। मालिक, मालिक बैठी ने आपको आराम करने को कहा है, और आप है कि 3 घंटे से ऐसे चले जा रहे हैं कि जैसे घोड़े ने घास की बजाय खाई मन खुजली के पत्ते खा लिए हो। खाना खाने के बाद हजम करने के लिए पैदल चलना चाहिए। अगर आप तो इतना चल रहे हैं कि खाना पेट से उतरकर पांव में आ जाएगा और आपके पांव भारी हो जाएंगे। पांव भारी? जी। लुबान? जी हाँ कुर्बान। गाल? हाजिर है। ये बात तो मुझे अभी बता रहा है जब मैं 150 मील पैदल चल चुका हूँ। अरे अब तो मेरे पैरों को भी चक्कर आ रही है। देखिए, एक रोटी हजम करने के लिए आपको 2 मील का चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ तो आपने 10 पराठे, 5 अंडे और 2 शेर दूध इतना सब खा लिया है। अगर दौड़ नहीं लगाएंगे तो हजम कैसे होगा, और अगर हजम नहीं होगा तो पेट भूल कर सर्कस के तंबू की तरह बड़ा हो जाएगा। ये क्या उठा ले? ये आपका बेटा है चंडी मामा। मेरा बेटा इतना टूटा हुआ, समाज मंदिर में कुश्ती लड़ रहा था, पहलवान ने उठा के पटक दिया और इसकी हड्डी टूट गई। हाथ भी? एक तो ये नालक बगैर हड्डियों के पैदा हुआ था, दवाइयां खिला खिला के इसके शरीर में हड्डियां पैदा की। उधर ये समाज मंदिर वाले रोज इसकी हड्डियां तोड़वा देते हैं। अबे पतीले के खुरचन, जब ऊपर अकल बढ़ रही थी तो तू कहां था? नीचे था। चुप नालायक, एक तो तूने पैदा होने में 13 महीने लगा दिए, और अकल 1 महीने के लिए पैदा नहीं हो सकता था। लगता ही आपका बेटा नहीं किसी और का कैलेंडर है। क्या कहा? माफी चाहता हूँ, गाल हाजिर है। मैं इस समाज मंदिर से तंग आ चुका हूँ, अब इसको तोड़वाना ही पड़ेगा। छी 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 छी, क्या मुसीबत है! इस समाज मंदिर के सोलह गुण से किसी दिन मेरा दिमाग फट जाए। सुबह में भजन, शाम में कबड्डी, रात में कवाली, ऐसा लगता है कि पड़ोस में किसी इंसान का नहीं शैतान का घर आके बस गया है। अबे ओ चिल्लाओ मत पहलवानों, तुम लोगों का और कोई काम नहीं है क्या? सुबह शाम चिल्ला चिल्ला कर वर्जिश करते रहते हो। इस घर के अंदर आदमी रहते हैं, जानवर नहीं। खामोश! और एक सवाल मैं आपसे करता हूँ शक्ति सिंह जी, यहाँ इसे क्या कचरे का डब्बा समझ रखा है जो रोजाना घर का कचरा यही फेंकते हो? आज माफ कर देता हूँ, मगर आइंदा अगर तुम्हारे घर का कचरा यहाँ आया तो तुम्हारा ये शानदार घर कचरे का डब्बा नजर आएगा, समझे? क्या मतलब? एक तो हमारे घर के सामने कुश्ती का अखाड़ा बना दिया, ऊपर से अंदाज तो देखो महाराज के, क्या कुश्ती करने के लिए यह जगह मिली थी? और कहीं नहीं मर सकते थे। ए बाबू, तमीज से आवाज नीची करके शराफत से पेश आओ, वरना मैं अगर चिल्लाने पर आ गया ना तो तुम्हारे घर की ईंटें घबरा कर आपस में टकरा जाएंगी और उसके बाद गिर जाएगी। ये मेरी जगह है, यहाँ कुश्ती भी होगी, कत्ल भी होंगे और नौटंकी भी होगी। अगर तुमसे देखा नहीं जाता तो आंखें बंद कर लो, सुना नहीं जाता तो कान बंद कर लो, और बोला नहीं जाता तो अपना मुंह बंद कर लो, समझे? अबे ओ अकल के अंधे, क्यों इसके मुंह लग के अपनी इज्जत का दीवाला निकाल रहा है? चलो साले। अरे चलो, अरे चल 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 बे। अगर आप उस गंदे झोपड़े को हटाने के लिए पंचायत को राजी नहीं कर सकते तो ये काम मुझे करने दीजिए, मैं खुद उस झोपड़े को आग लगा दूंगा। बुजुर्गों ने कहा है कि पड़ोसी के घर को आग लगाओगे तो खुद का घर भी जल जाएगा, तुम एक आसान काम क्यों नहीं करते? अपने भाई को क्यों नहीं छोड़ देते उन लोगों पर? है? भाई, अरे भाई मैंने तो एक ही बेटा पैदा किया था, ये दूसरा कहां से आ गया? तुम्हारा वो बेटा जो ये बेटा बाजार से खरीद के लाया, मतलब कुत्तों की जात को शर्माने वाला ये कुत्ता। चंडी दास, तुमने सोफे का सत्यानाश कर दिया, आराम से बैठ क्यों नहीं जा रहे? तो मैं क्या करूं, अपने इस बेटे को अपनी भाषा में समझा रहे भाई? मामा घबराओ मत, ये कुत्ता आपको काटेगा नहीं। क्या है कि आपने इसको कुत्ता बोल दिया ना, इसलिए आपसे ये नाराज हो रहा है। कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलूंगा तो क्या शेर बोलूंगा? मामा इसका भी नाम है आपकी तरह। अच्छा, पैसे वालों की तरह कुत्ता भी नाम का दीवाना होता है क्या? क्या नाम है इसका? मामा, मेरा मतलब एडवर्ड। अच्छा अच्छा, एडवर्ड, क्रॉफर्ड, बास्टर्ड, ये विदेशी नाम रखने की क्या जरूरत है? कोई देसी नाम नहीं रख सकते थे? भोगोचन टेढ़ी दुम वाला, काटोचन 14 इंजेक्शन वाला, चट्टीचन निकम्मे चन। मामा आप जब देखो मजाक करते रहते हैं। अरे यार चली जा, क्या बात है भाई, आज समाज मंदिर के खिलाफ बड़ा जहर उगल रहे हो तुम। आए जी अजी सर, लूं लूं से क्या शहर उगलूं? एक तो बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई, शादी के बाद बड़ी मुश्किल से मेरी औलाद हुई, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उस औलाद को बड़ा किया,
अब आए दिन समाज मंदिर के बंदर उस औलाद का कोई नकुकल पुर्जा तोड़ देते, जैसा मेरा घर न हुआ, कोई टूटी फूटी गाड़ियों का गैरेज हो गया, अब कल उसकी हड्डी तोड़ दी, अब मैं रोज उन्हें हड्डियां कहां से लाऊं? कहां से? तुम उनके मुंह पे झाड़ू क्यों नहीं फेरते? निकाल भाग क्यों नहीं करते लोगों को? अरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता चंडीदास, समाज मंदिर के नाम पर जो गुंडों का अड्डा चल रहा है वो जमीन रवि की है। तो ये कि वो जमीन रवि को अपने दादा से विरासत में मिली है और वो ये जमीन बेचने को कभी तैयार नहीं होगा। ठाकुर साहब, जब गोविंद की बेटी की शादी थी तो तुम्हें याद है तुमने उसको 5,000 रुपया कर्जा दिया था? हाँ याद है। तो फिर तो तुम उसमें दबाव डालो कि फौरन वो कर्जा लौटा दे। उसके पास पहनने के लिए दूसरी धोती नहीं है, वो 5,000 कहाँ से लौटाएगा? तो तुम उससे कहो कि अपने बेटे को तुम्हारी यहाँ नौकरी पे भेजे ताकि तुम उसकी पगार से आहिस्ता आहिस्ता अपने कर्ज की रकम वसूल कर सको। और एक मरतबा वो यहाँ आया मतलब शिकारी के जाल में बिगड़ा हुआ शेर फंसा, फिर तुम उसका गुरूर निचोड़ लेना, घमंड निकाल देना, दांत उखाड़ देना, पंजे निकाल देना, और एक महीने वो बिगड़ा हुआ शेर शराफत की बकरी बन जाएगा। अरे फिर वो समाज मंदिर का झोपड़ा तो क्या अपने बाप का थोड़ा भी बनेगा? अरे वो तेरे दादा की जमीन है ना जो तेरे नाम पे है, जहाँ तूने समाज मंदिर बनवाया है, वो ठाकुर साहब चाहते हैं वो जमीन तुम उन्हें दे दो, कहते हैं उनसे लिया हुआ सब कर्जा उतर जाएगा। आग लगे उनके चाहने को, जमीन तो क्या एक मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं मिलेगी वहाँ की। अरे बेटे हमें क्या करना उस जमीन के टुकड़े को, उनके हवेली के बगल में हमें घर थोड़ा बनाना है, दे दो उनको जमीन पर खत्म कर दो। तुम नहीं जानती किसी भी तरह कुछ ना कुछ तिगड़म चला के उस जमीन को हत्या लेना चाहते, क्योंकि उनकी बड़ी हवेली के बगल में हमारी छोटी सी झोपड़ी उनकी आंखों को चुपती है, उनकी शान में फर्क डालती है। सोचा होगा ये तो ठहरा गोबर गणेश, जो मर्जी से करवा लो। हाँ हाँ मैं गोबर गणेश ही सही, ये तो अकल का खजाना है ना, इससे पूछो बाप का कर्जा कैसे चुकाएगा। कैसे भी चुका दूंगा, इनसे कहो थोड़ी सी मोहलत और ले ले। अरे मोहलत मिलने से पैसा कहाँ से आएगा, पूछो इससे, कहीं चोरी करनी होगी या डाका डालना। इनका बेटा ठाकुर के बेटे की तरह आवारा कामचोर निकट्टू नहीं है, मेरे बाजू में दम है और कलेजे में हिम्मत, कहीं भी मेहनत मजदूरी करूंगा और किसी भी तरह कर्जा अदा कर दूंगा। अरे जिद की आग से गरीबों के घर जल जाते हैं चूल्हे नहीं, कहो इसे अलग से मेहनत मजदूरी करने की क्या जरूरत है, हम दोनों एक ही जगह काम करेंगे तो कर्जा जल्दी उतर जाएगा। अब आई बात समझ में, घुमा फिरा कर यही दांव खेलेंगे ये मालूम था मुझे। अरे माँ को समझी, इनकी तरह ठाकुर के पैरों की मालिश करने वाला गुलाम बनाने का प्लान बना जा रहा है। इनसे कह दे इस जन्म में ये हो नहीं सकता, ये गुलामी का सिलसिला इस पीढ़ी से खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। ठीक है, अगर पैसे नहीं देंगे तो वो लोग मुकदमा दायर करेंगे हमारे खिलाफ, मैं तो अदालत में साफ साफ कह दूंगा मेरे पास पैसे नहीं और मैं खुशी खुशी जेल चला जाऊंगा। अगर ये जेल गए तो इनसे कह दे इनके साथ साथ मैं भी जेल जाऊंगा, लेकिन उन सब सालों को कत्ल करके। क्या इससे तो अच्छा है इससे कहो कि बाप की चिता को आग लगाने का काम जो किसी भविष्य में इसे करना पड़ेगा वो आज ही कर। ये तुम क्या कह रहे हो? हमें सब कर्जे चुक जाएंगे इसके भी और मेरे। पिताजी आपने ये कर्ज मेरी खातिर लिया था ना, मेरी शादी के लिए, इस बिना पर आप और भैया क्यों झगड़ते हैं? लीजिए ये जेवर लीजिए, इन्हें बेचकर उनका कर्ज अदा कर दीजिए। लक्ष्मी क्या बेहुदा बात कर रही है, तेरा भाई अभी जिंदा है, तूने कैसे सोच लिया कि तेरा भाई तेरे गहने बेचने के लिए राजी हो जाएगा? हाँ कह दे पिताजी से तेरी खातिर मुझे ठाकुर के यहाँ काम करना मंजूर है, जिन ठाकुरों को ये बरसों से गुलामी करते आए हैं, कह दे इनका बेटा भी कल से उनकी गुलामी करने आ रहा है, उनके जूते साफ करने की नौकरी के लिए राजी हो गया है। ये कुत्ते के कान में क्या झांक रहे हो, कोई पैसा वैसा गिर गया क्या अंदर? नहीं मामा इसके कान में दर्द है। अरे रे रे दर्द है, हाँ भाई के दर्द भाई नहीं पहचानेगा तो और कौन पहचानेगा। देखो मामा। अरे क्या देखूं, मैं तुझे उस जमाने से देख रहा हूँ जब तू इतना सा नंगा घुमा करता था, वैसे कपड़े पहन कर तुझे खास फर्क नहीं पड़ा है। शट अप मालिक। वाह भाई वाह गोविंद, तुम तो उसे आसपास ले आए भाई, मुआवजा वगैरह क्या मिलेगा सब समझा दिया ना इसे। मेरा नाम ए नहीं रवि है। गोविंद अपने बेटे से कहो खामखा तकरार टंटा ना करे, लगन से काम करे। जी मालिक। जा तू बगीचे में जाके मेरा इंतजार कर, मैं आके तुझे काम समझा देता हूँ। अबे और रवि के बच्चे, क्यों बे शक्ति के बच्चे? रवि बुरा लगा ना, इसी तरह मुझे भी बुरा लगा, इसलिए इज्जत दो और इज्जत लो, मुझे रवि कहकर पुकारो। ओ हो हो महाराजा राज राज श्रीमान रवि साहेब, अब आप कृपा करके अपना काम संभालेंगे? अवश्य हुजूर। पिताजी अबे तुम्हें कहकर पुकारना, कुत्ता गधा कह के गाली देना,
ये सब हरकतें आप अपने तक ही महदूद रखिए। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बहन की खातिर काम करने आया हूँ, इसे जरा समझा देना। बड़ी देर लगा दी पेड़ गिराने में, ठीक है इसके छोटे छोटे टुकड़े करके शाम को हवेली में पहुंचा दो। गोबिंद जी, तुम यही ठहरो और इससे टट के काम करवाओ। जी मालिक। आपकी ये उम्र काम करने की नहीं है। बेटा तूने भी तो आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया था, और आज एक ही दिन चार आदमियों का अकेले काम कर रहा है तू। अच्छा ना पिताजी, मेरा बाप अपनी इज्जत नहीं रख सका, कम से कम मैं अपने बाप की इज्जत तो रख सकता हूँ। उन मगरूर लोगों को सबक सिखाने का अच्छा मौका मिला है। मगर तुझे ये बुरा मौका दिलाने वाला ये तेरा बदकिस्मत बाप है बेटे। मैं देख देख तेरी हथेली में कितने छाले पड़ गए हैं, तेरी माँ देखेगी तो खून के आंसू रोएगी। जुल्म की कुल्हाड़ी ने कितने माओं के लालों के खून बहाए हैं, आज तक उन माओं के दिलों पर क्या बिकती होगी कौन जाने। खैर अब जाइए खाना खा लीजिए, मुझे काम करने दीजिए, जाइए। यहाँ कंचन बेटी आ रही है। हाँ तार आया है, लिखा है स्टेशन पर गाड़ी भेज देना। हाँ तो ठीक है, तुम भी जवाबी तार दे दो कि स्टेशन पर गाड़ी पहुँच जाएगी। वाह, महीनों से कह रहा हूँ कि एक कार खरीदो, लेकिन नहीं। आज अगर मेरे पास कार होती तो कल मैं अपनी बहन को लेने के लिए खुद स्टेशन जाता। हाँ भाई कार भी ले लेंगे, लेकिन पहले हमारी बिटिया रानी को तो आने दो। फरमाइए क्या, इतनी देर से चिल्ला रही हूँ सुनाई नहीं देता क्या? आप ए ए चिल्ला रही थी, आज के जमाने में ये बोलने पर तो जानवर तक नहीं आते। मैं फिर भी इंसान हूँ। शट अप यू फूल, गाड़ी लेकर तुम ही आए हो ना, तो फिर प्लेटफॉर्म पर सामान लेने क्यों नहीं आए? नए नए काम पर लगे हो क्या? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मेरे सवाल का जवाब दो, मुँह में जबान नहीं है क्या? मेरे बदले तुम्हारे मुँह में डबल लंबी जबान जो है ये काफी नहीं है? लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है तुमको। हाँ, रोज असली घी की बिरयानी बनाकर तुम जो खिलाती हो मुझे। शट अप, अदब से बात करो। तुम भी इज्जत से बात करो। उठाओ ये सामान और टांगे में रखो। हाँ थोड़ा नीचे। चलो चढ़ जाओ। जरा आगे सड़क के बैठो। क्यों? पीछे वजन ज्यादा हो गया। अरे पीछे पीछे पीछे। क्यों? आगे वजन ज्यादा हो गया। ओह, जल्दी चलो। अरे रामपुर की भैसन भैया, रामपुर की भैसन भैया। यू इडियट ब्रूट, जरा संभल के चलो। रानी ऐसने देखा। अरे निकल गया भाई, रोको ना। ओह माय गॉड, मेरा सारा सामान कीचड़ में गिर गया।
तेरा सूटकेस, मेरे सब कपड़े। नालायक बदतमीज, मेरे सब कपड़े तेरी वजह से खराब हुए, अब इन्हें कौन साफ करेगा, तू या तेरा बाप? बेटी रोक रही हो? अरे क्या हुआ, गिर गई कहीं? चोट लग गई क्या? तो क्या गाड़ी में लुट गई? तुम रोक रही हो? पहले जी भर के रो लो, फिर बता देना, या फिर पहले बता दो फिर रो लेना। अरे क्यों धमका रही हो बच्ची को? एक तो बेचारी पहली सहमी हुई है। हाँ बेटी बताओ क्या बात है, क्या बात? वो गाड़ी वाला इडियट, उसने गाड़ी ऐसे भगाई कि मैं गाड़ी से नीचे कीचड़ में गिर गई और मेरे सारे कपड़े। भैया तुम उस बदमाश को बिल्कुल मत छोड़ना, उसने मेरा बहुत अपमान किया। ऐसा सलूक किया तुम्हारे साथ, जान से मार डालूंगा मैं उसे। बात करो बस, अगर इतना ही ख्याल था अपनी बहन का तो खुद लेवाने चले जाते। इतना जगाने की कोशिश की, उस वक्त तो कह दिया किसी और को भेज दो, खुद कंबल ओढ़कर सो गए। और अब दिखाने के लिए हवा में हाथ पैर मार रहे हैं, और इनके मुंह से कौन से फूल बरसते हैं? इन्होंने जरूर कुछ किया होगा। क्या किया? चलते वक्त गाड़ी झटके खा रही थी तो मैंने कहा यू इडियट आराम से गाड़ी चला, उसके बाद मेरा बैग कीचड़ में गिर गया और मैंने सिर्फ ये कहा कि अब ये कपड़े तेरा बाप धोएगा। वाह, इसे कहते हैं जवाब। देखा मेरी बेटी की बहादुरी को? जी हाँ, दुनिया में कौन सा नालायक मर्द होगा जो एक लड़की के मुंह से ऐसी बेहुदा बात सुनकर उससे मैं ना आए। और अभी फिर भी बहुत खुददार है, लड़कियों को अपनी जबान काबू में रखनी चाहिए। ओहो, फिलहाल तुम अपनी जबान काबू में रखो। आप हमेशा मेरी जबान बंद करना चाहते हैं क्योंकि वो सच बोलती है। ओहो, देखा गोविंद, हमने तुम्हारे बेटे पर भरोसा करके उसे स्टेशन भेजा और उसने ऐसा बर्ताव किया हमारी बिटिया के साथ। डैडी, आप उसे फौरन यहाँ बुलाकर उसकी खबर लीजिए और खूब कड़ी सजा देकर उसे नौकरी से निकाल दीजिए। अगर वो यहाँ काम करेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, फौरन शहर चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, मैंने कितनी तकलीफों से, कितनी तरकीबें आजमा कर, कितनी धमकियां दे देकर उसे अपने काबू में किया है और उसे नौकरी करने पर आमादा किया है। अगर आप उसे नौकरी से निकाल देंगे तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाए। तो क्या उसे ऐसे छोड़ देंगे? नहीं नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनी मुट्ठी में रखकर उसे सबक सिखाएंगे। तुम फिक्र मत करो बेटी, फिलहाल तुम थक गई हो, देखो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए गरम गरम नाश्ता बनाया, जाओ जाओ। खाने से पहले जरा ये सड़े हुए कपड़े उतारो, नहाओ और ये सामान लेती जाना। ठाकुर साहब ने तुझ पे विश्वास करके तुझे उनकी बेटी को लाने के लिए स्टेशन भेजा तो तूने और ही गुल खिला। अरे तू मर्दों के साथ इज्जत से नहीं पेश आ सकता तो कम से कम लड़कियों के साथ तो इज्जत का बर्ताव कर। पिताजी, इज्जत का बर्ताव दोनों तरफ से होना चाहिए। ये सब कपड़े तेरी वजह से गंदे हुए, ले अब धो इन्हें। तू क्या मेरी जोड़ू लगती है जो मैं तेरे कपड़े धोऊं? हाँ हाँ, अरे हाँ। अरे रो मत, रो मत, रो मत बेटी, उसने नहीं धोया तो ना सही, मैं धो देता हूँ। तो अंदर जा बेटी, जा। सुना है इस साल दशहरे के त्योहार पर 50 फुट ऊंचा रावण खड़ा किया जाएगा, इसलिए आज के रावण का सर्वनाश करना है तो आज के राम को भी बहुत ताकतवर होना चाहिए। नहीं, वो तो होना ही चाहिए वरना। फिर बोला बीच में। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्कार नमस्कार, आओ आओ। आ गए समाज मंदिर के बंदर। तुम लोग शायद शाम के लिए बड़े ठाकुर को निमंत्रण देने आए हो कि वो आए साथ में छोटे ठाकुर को भी लाए और अपने इन मुबारक हाथों से रावण के पुतले में आग लगाए। बोलना, कहो बरकरदार, क्या बात है? हम लोग रामलीला कमेटी की तरफ से आपसे चंदा लेने आए हैं। पुण्य के काम में तो हम सबसे आगे होते हैं। ये लोग गिन लेंगे, फिक्र मत करो, शाम को आगे और ले जाना। और देखो, एक बात का ख्याल रखना तुम लोग, रावण को आग लगाने का सौभाग्य मेरे ही बेटे को मिलना चाहिए, समझे? क्यों नहीं ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर साहब ही रावण के पुतले को आग लगाएंगे अगर वो ये साबित कर दें कि इस गांव में वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा बलवान है, तो वही रावण के पुतले को आग लगाएंगे। गांव वालों, श्री शक्ति सिंह इस नारियल को
अबे नारियल दे लो, नारियल को, नारियल को, इस नारियल को अपने फौलादी मुख से तोड़कर इसके भेजे का पानी भड़क से निकालने वाले हैं। अपनी ताकत का, अपने बुढ़ापे का, जवानी, इधर जवानी, 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 हाँ जवानी, मुजाहरा करेंगे, उसके बाद अपने हाथों से रावण को जला डालेंगे। रावण किधर है? रावण, वो रावण, वो रावण, है कोई माई कला इनकी ताकत को लड़काने वाला? कोई भी नहीं है, आधा घंटे से आवा दिया, कोई भी नहीं आया। लो खा जाओ, नहीं तोड़ दो। नारियल टूट गया, हाथ टूट गया। अरे बस 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 बस, ये नारियल का पानी नहीं, इनका पानी निकल गया। दोनों नारियल हैं। खैर अब मैं इस नारियल को अपने मुक्के से नहीं, देखेंगे। Thank you.
जय जय श्री राम पुकारूंगा, एक रावण को राम ने मारा, एक रावण को मैं मारूंगा। हो तेरी लंका आज को जाड़ूंगा, जय जय श्री राम पुकारूंगा, तेरी लंका बहन, कल रात भी तेरा पति घर नहीं आया ना? पूछ उससे कि वो रातों को कहाँ रहता है। जब पति अपनी पत्नी को छोड़कर रातों को बाहर रहता है ना, तो अक्सर वो रातें गुनाहों की आगोश में गुजरती हैं। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, जिंदगी का तजुर्बा बोल रहा है। आपका तजुर्बा गलत बोल रहा है, देखना वो आते ही होंगे। आप रात भर कहाँ थे और ये कौन है? मैं जहन्नम में था, तुमसे मतलब, और ये मेरी जान है, मेरी माशुका है, आज से इसी घर में रहेगी। हाँ क्या? नहीं, ये यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और इसे इस घर में रखना है तो पहले मेरा खून कर दीजिए, नहीं तो मैं इस पापिन का खून कर दूंगी। तेरी ये हिम्मत, मेरे मेहमान पर हाथ उठा दी। होश में आइए, मेरा नहीं तो दुनिया का ख्याल कीजिए, लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा ना सोचेगा, सिवाय तुम्हारे भाई के। वही है जो सारे गांव में हमारी बदनामी कर रहा है, अफवाहें फैला रहा है। यही है वो जो अपने भाई की कान भरती होगी। नहीं नहीं, ये झूठ है, न मैंने भैया से कुछ कहा, न भैया ने इस बारे में किसी से कुछ जिक्र किया। मैं तुझे और तेरे खानदान को अच्छी तरह से जानता हूँ, किसी के पीठ पीछे बुराई करने वाले को क्या सजा दी जाती है, आओ मैं तुझे बताता हूँ। तूने मेरी बहन को सलाख से जला डाला, आज इस सलाख से मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। नहीं भैया नहीं। लक्ष्मी, इसके सर पे शराब और इश्क का भूत चढ़ा हुआ है, आज मैं तेरा भूत भैया। ठीक है, यहां मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन ये आया शराबी का बच्चा कभी तो बाहर आएगा, इसे मैं वो मार मारूंगा कि जिंदगी भर चलने फिरने के लायक नहीं रहेगा, गांव के चौराहे बैठकर भीख मांगेगा ये। क्यों, तुम कौन होते हो इन पर हाथ उठाने वाले? ये मेरे पति हैं, ये मुझे मारे, ये मेरी जान ले ले, इनको मेरी जिंदगी और मौत पर पूरा अधिकार है। लक्ष्मी जाओ, चले जाओ मेरे घर से, और कभी दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। लेकिन जाने से पहले इस घर के सुख को डसने वाली इस नागर को घर से बाहर निकाल कर जाऊंगा, सारे फसाद की चढ़िया साली। ये मेरी मेहमान है और ये मेरा घर है, तेरा नहीं, समझे? भैया मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, मैं बाहर के लिए, चले जाओ यहाँ से। चुप, चीखना और चिल्लाना मेरे घर में नहीं चाहिए, अगर किसी को इस घर में लाना या निकालने का हक है तो सिर्फ मुझे, समझे? और सुन रवि, इस घर के मालिक की हैसियत से मैं तुम्हारी बहन को यहाँ से निकाल रहा हूँ, ले जाओ इसे, नहीं चाहिए मुझे औरत। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझे मत निकालिए, मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी। अगर तू अपने माँ बाप की असली औलाद है या तेरे अंदर रति भर शरीफ खानदान का खून है तो चुपचाप एक शब्द बोले बिना यहाँ से चली जाएगी, अब निकल जाए यहाँ से, चलो रमा। सुन लिया, तू पाप के तालाब में गंगा जल तलाश कर रही है, जहर से अमृत की आस लगाए बैठी है। चल बहन, इसके दिमाग पर शैतान ने गुनाह की मोहर लगा दी है, सच्चाई में इसे बुराई नजर आएगी और बुराई में सच्चाई। चल बहन घर चल, तेरा भाई अभी जिंदा है, चल। ए! ए!
जानवरों के हॉस्पिटल में पैदा हुई थी क्या? किए जा रही है, इंसान के जबान में बोल नहीं सकती। शट अप, रास्ता छोड़ो, मुझे यहाँ से निकलना है। चेहरे पर लॉरी की हेडलाइट की तरह जो दो आंखें लगी हुई है ना, अगर उसे खोलकर देखोगी तो पता चलेगा कि ये रास्ता नहीं खेत है। जाना है तो उधर से जाओ। बकवास नहीं चाहिए, मुझे इधर से ही जाना है। और मुझे यहाँ अपना काम करना है। आज तक मुझसे जिद करके कोई जीता नहीं है, मैं यहीं से ही जाऊंगी। अरे वो पढ़ लिख कर चाहिनों को शर्माने वाली लड़की, अरे चप्पल पहनकर धान के पौधों को रोलते हुए जा रही है। अरे कभी कड़कती धूप में घुटने पर पानी में कमर झुकाकर पौधों को रोप कर देख, तब तुझे पता चलेगा कि कड़कती धूप में कमर झुकाए अनाज बोएगी मेरी जूती। तो कौड़ी का किसान हमारे अनाज पर जीकर हमी से जबान चलाता है। ये मेरी जमीन है, अगर मैं चाहूँ मैं इसे रौंदूंगी, बल्कि 10-12 लोगों को बुलवाकर कुछ लूंगी भी। अरे मालिक रुक जाइए, ये पाप है। अरे इस घमंडी बाप की औलाद को पाप कौन समझाएगा, इसे घर वाला ही समझाएगा। कांटो, 2 मिनट में समझा दिया ना ऊपर वाले ने, देखा। अरे वो घमंड की मिट्टी से बनी हुई गुरूर की मूर्ति तेरी अक्कड़ गरीबों पर चल सकती है, लेकिन कुदरत के उसूलों पर नहीं। ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, धरती माँ की संतान है। तू अगर इन्हें कुचलेगी तो धरती माँ कैसे बर्दाश्त करेंगी? हाँ, जा तुम दबाकर भाग। यही धरती माँ की गोद से सांप बिच्छू निकल आए ना, तो डंग मार मार के ये गुलाबी रंग नीला कर देंगे। अरे ये क्या है? सांप, सांप, सांप। माँ देखो तो ठाकुर साहब की बेटी आ रही है। आइए अंदर आइए। नहीं ये सब क्या है, इतनी कड़ी धूप में बिना चप्पल कहाँ से आ रही है आप? अंदर आइए ना। नहीं नहीं आज नहीं, फिर कभी होंगी। ऐसा मत कहिए, घर तक आकर अंदर नहीं आए तो हमें बड़ा दुख होगा। थोड़ी देर के लिए आइए ना। संभाल के माँ, देखो तो कौन आया है, जल्दी आओ ना। आप हमारे आओ भाग्य, जो आपके शुभ चरण हमारी कुटिया में पड़े, आइए बैठिए ना। नहीं नहीं इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी नहीं, नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे आप? ऐसे नहीं जाइएगा, प्यास लगी होगी, कुछ तो पीकर जाइए। नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ तुम भी कमाल करती हो, मेहमानों से ऐसी बातें पूछी जाती है, जाकर ले आओ ना कुछ। थोड़ी सी छाछ तो पीनी पड़ेगी। लाओ तो सही पहले तुम, जल्दी ले आओ। अच्छा, हाँ। ऐसे क्यों खड़ी है, काम में कुछ चुप तो नहीं गया? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, कांटा चुप गया है, इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जा रहा। लाइए मैं निकाल दूँ। नहीं मैं अपने डॉक्टर को बुलवाकर निकलवा लूंगी, आपकी तकलीफ करती आप। हाँ मखा डर रही है, मैं इतनी आराम से निकाल दूंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं लीजिए छाछ पी लीजिए, हम तो आप ही का दिया हुआ खाते हैं, आप ही का दिया हुआ पीते हैं, आपके लायक अभाव तो हम कर नहीं सकते। माँ देख कर तो लाना चाहिए था, इसमें तो बाल है। अच्छा ये तो बड़ा अच्छा शगुन है, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। माँ शगुन वगन की बात छोड़ो, पहले छाछ फेंको दूसरा ले आओ। नहीं नहीं फेंकने की क्या जरूरत है, खामोखा वेस्ट हो जाएगा। अच्छा फिर लीजिए। लक्ष्मी जल्दी से हल्दी कंकू तो ले। हाँ हाँ। नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है अब, ये सब मंगलकारी वस्तु है, स्त्री जाति को इसके लिए ना नहीं करनी चाहिए। चूल्हे पे कुछ जल रहा है, बू आ रही है। चूल्हे पे? हाँ। चूल्हे पे तो मैंने कुछ भी नहीं रखा। नहीं नहीं जरूर कुछ जल रहा है, बहुत जबरदस्त बुआ रही है, आप जाकर देखिए तो। अच्छा ठीक है। तू पागल है क्या, उसके सामने दूसरा ग्लास छाछ लाने को कह दिया, घर में एक ही ग्लास तो छाछ पड़ी थी। छाछ खट्टी तो नहीं थी ना? नहीं नहीं बहुत अच्छी थी, मैंने सारी पी ली, देखिए माँ ये लो लीजिए। अच्छा ओके बाय बाय। सर से पांव तक चर्बी चढ़ गई है, इस साली को तो पागल पहलवान धोबी जैसा पति मिलना चाहिए, धोबी घाट ले जाकर पटक पटक कर चर्बी उतार दे। क्या बकता है, कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल फूल जैसी, मैंने बुलाया तो अंदर चली आई, बिना कुछ कहे छाछ भी पी ली, और जानता है साथ में कुमकुम भी ले गई। हाँ भैया माँ ठीक कहती है। क्या खाक ठीक कहती है? अरे ये क्या, क्यों तू कहती थी ना मेरे लाल के मुंह से दूध टपकता है, तो देख आज तेरे लाल के मुंह से छाछ टपक रही है। छाछ? जी हाँ छाछ,
तुम्हारी दी हुई छाज उसने बड़े प्रेम से मेरे मुंह पे मार दिया। बड़ी प्यारी बच्ची है। हाय फोक्स। हाय कंचन। वेलकम। अरे काहे का वेलकम यार कंचन, ये गांव हिंदुस्तान में ही है ना? क्यों? नहीं, देख के शक होता है। उन्नति और तरक्की तो इसके करीब से भी नहीं गुजरी है। इससे ज्यादा तो हड़प्पा के जमाने के गांव एडवांस थे। अब अंदर भी चलोगी या शिकायतें ही करती रहोगी? ताजी हवा है, खुली फिजा है, शहर की तरह ना तो कोई धुआं है और ना ही कोई मिलावट। बस थोड़ी देर आराम करो और फिर देखो थकन कैसे गायब हो जाती है, जैसे तूफानी हवा में से धुआं गायब होता है। चलो 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 चलो। आफरीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, क्या मंजर है। रियली, शहर में रहने वाले कभी सोच भी नहीं सकते कि गांव की खूबसूरती किसे कहते हैं, कुदरती हुस्न कैसा होता है। यहाँ एक भी लड़का नजर नहीं आता जिसके सामने मोहब्बत का ताना। माय गॉड, हो रहा, चिलचिलाती धूप में तलवार की धार चमक रही है। व्हाट अ पुअर चॉइस, तुम लोगों की पसंद भी कितनी घटिया है। ये तो हमारा नौकर है। तो क्या हुआ, फराज कौन सा बादशाह का बेटा था, मजनू कौन से गवर्नर की औलाद थी? अरे ये नौकर ही नहीं, बेवकूफ, अनपढ़, जाहिल, गवार भी है। ए, कम हियर। अरे देखो रे देखो, हिंदुस्तानी जमीन पर इंग्लिशतानी परियां उतर आई है। ए, तुमने सुना नहीं क्या, बहरे हो, हमारे लिए पेड़ से कच्चे आम तोड़ कर लाओ। मेरा उसूल है, मैं कच्चे आम और कच्ची कली नहीं तोड़ता। आप खुद को नहीं तोड़ लेती? इडियट, हम क्या तुम्हारे सर पर चढ़ के तोड़ेंगे? सर आंखों पर, आइए ना, आइए 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 आइए। हाँ वाह। ये इडियट, ये क्या बदतमीजी है, मुझे नीचे उतारो। मैम साहब, मैं कच्चे आम कच्ची कली के साथ साथ कच्ची लड़की भी नहीं तोड़ता। यू फूल, इडियट। आओ फूल, इडियट। शहर की नारियां, ओए हो ये नारियां, शहर की नारियां।
की नारिया। निकल जाएगी। मार के देख। मारूंगी तो क्या कर लेगा? हाथ तोड़ दूंगा, समझी? अपने भैया से कहकर तेरी जबान ना खिंचवा ली तो मेरा नाम नहीं। अरे बहुत देखे तेरे भैया जैसे। अब तू देखना मैं तेरी क्या हालत बना। क्या करेगी तू? पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवाऊंगी और जिस हाथ से तूने मेरा हाथ मरोड़ा है उसी हाथ में हथकड़ी डलवा कर गाँव की गलियों में घसीटवाऊंगी और हंटर मरवा मरवा कर तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगी। अरे जा जा, चल 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 फुट जा रे। ए क्या रे? साले भीख मंगे बदमाश, हमारी बहन को आ रही चारी कह के पुकारता है। जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। Thank you.
तेरे मुस्तंडे पन की कुछ हद है या नहीं? देख लूंगा मैं तुझे साले। चल भाग ले। चुप रह। मैं तो नहीं दूंगा। चल भाग। मैं तुझे। अरे छोड़ो। अरे भाग यहाँ से। अरे छोड़ो। दादा कुत्ता कहेगा आप छोड़िए मुझे। मुझे मालूम था एक ना एक दिन ऐसा होगा, इसीलिए मैं वहाँ नौकरी करने से इनकार कर रहा था। मैं तो इतना समझती हूँ, जो किसी के मोहताज होते हैं ना, उन्हें हमेशा नरमी से पेश आना चाहिए। अरे नरमी का मतलब ये तो नहीं है ना कि दूसरा अपना सर ही कुचल दे फिर भी कुछ न बोले। भैया ने जो भी किया ठीक ही किया। अरे बेटी वो लोग धनवान हैं, वो चाहे तो सही को गलत और गलत को सही कर सकते हैं, समझी? माँ मैं मानती हूँ हमारे पास दौलत तो नहीं है, क्या अपनी इज्जत और अपना स्वाभिमान भी गवा दे? अगर उन्हें भैया को नौकरी पर नहीं रखना था तो साफ साफ इनकार कर देते। तुम लोग अभी झगड़ा बंद करो और चलो अपना अपना काम करो। चलो अमीर जादो, अब तक तुम लोग बचते फिरते थे, अब मिला है तुम्हें मुकाबले का दुश्मन। आह लड़के की तस्वीर तो देखो माँ, क्या स्टाइल है, क्या रोब है, और इसका टाई बांधने का स्टाइल देखो कितना अप टू डेट है। जरा सोचो हमारी बहन कंचन इसके बाजू में खड़ी होगी तो कितनी फिट लगेगी जोड़ी। फिट फिट तो सब ठीक है, लेकिन पहले ये पता करो इसका खानदान कौन सा है, माँ बाप कैसे हैं, हमारे समधी बनने के लायक हैं भी या नहीं। अरे चिराग लेके ढूंढोगी ना माँ तब भी ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। हमारी बहन किस्मत वाली है कि उसे ऐसा दूल्हा मिल रहा है। अरे अपनी बिटिया जैसी दुल्हन भी तो किसी किस्मत वाले को ही मिलेगी। मेरे ख्याल से अगर ये रिश्ता हम छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान में तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा कंचन के लिए। तुम अपना ख्याल तो रहने, उससे शादी करके जिंदगी बितानी है, इसलिए पहले इससे पूछ कर तो देखो। हाँ बेटी तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ तुम चाहोगी, अगर तुम्हें कोई एतराज है तो हमें साफ साफ बता दो। हाँ हम लोगों के दबाव में आकर तुम्हें हाँ कहने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं होता तो मैं भैया को पहले ही बता देती। अच्छा अरे 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 अगर बेटे तुम्हें शादी की तारीख पक्की करनी ही पड़े तो 10-12 दिन के बाद करना, बहुत सी तैयारियां करनी है हमें। मैं सब जानता हूँ, मैं सब ठीक कर लूंगा। शाबाश शाबाश। और अगर वो लोग पूछे कि घर के बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं आए तो माकूल सा जवाब देकर मामले को संभाल लेना। ठीक है कंचन बैठो गाड़ी में। अच्छा दादी मैं चलती हूँ। ये मनोज कैसे आड़े आ गया निकलते वक्त? भैया उस झोपड़ी को तोड़वा कर जला दो और उसी जगह इस गाड़ी को खड़ी करने के लिए एक शेड बना दो, नहीं तो ये गाड़ी उस झोपड़े में घुसा कर उसे चकना चूर कर दो। चोकर भैया, चोकर भैया, चोकर भैया। ओह यार कितनी बार कहा है ठोकर नहीं ठाकुर कहो ठाकुर। अरे लाइन भेजो, ठाकुर अगर ठोकर मारे तो ठोकर का ठाकुर बोलना पड़ता है। क्या बकवास कर रहे हैं, और ये लगड़ाते हुए कहाँ से भागे चले आ रहे हो? जान बचा कर आ रहा हूँ। हरामखोर गाड़ी चलाता है कि तलवार चलाता है? एक लड़की साथ में क्या बैठी थी, शराफत के म्यान से चढ़ी भी तलवार की तरह बाहर आ गया। अरे यार किसकी बात कर रहे हो तुम? तो अपने ड्राइवर को समझा तो वरना जानी होगा। अरे यार वो मेरा ड्राइवर नहीं मेरा बेटा है। लगन तो जैसे बेटे पर, अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसकी क्या मतलब मैं उसका मुंह चूम लेता, उसने फेंक देता। किसको फेंका? तुम्हारे बेटे को। मेरा बेटा, मेरा बेटा नहीं, मैं नहीं इनके बेटे को। अरे जाने दो, गल गया थड़ गया मर गया, टॉपिक छोड़ो मैं बात दूसरी कर रहा था। मैं क्यों अपने बेटे की सेहत की दुश्मन बने हो यार? तुम देखो पीछे 10 साल से गांव के पंचायत के सरपंच हो, पर गांव की हालत देखो, न सर है न पैर है न पंच है। अरे क्या बकवास कर रहे यार? मैं ये कह रहा था गांव की सड़कों की हालत देखी कितनी उबड़ खाबड़ हो गई, तो ऐसी सड़कों पे अगर गाड़ी चलेगी तो गाड़ी तो बैलगाड़ी बन जाएगी 2 दिन के अंदर, उनका इंजन पिंजर अलग हो जाएगा। जब तक तुम गाँव के सरपंच दिखावे के लिए सड़क की मरम्मत कर डालो। मगर तुम्हें गाँव की सड़कों की चिंता क्यों खाई जा रही? क्योंकि मेरे बाप अगला चुनाव आ रहा है। फिर वही बात, मैं कितनी बार कह चुका हूँ छोटे ठाकुर कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ना चाहता, 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 नहीं लड़ना चाहता। अरे छोटे ठाकुर तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनू? ये सुनकर कि तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो, मेरे बदन में से झाग निकल रही है। नाश्ते में साबुन खाया था क्या? मेरा मतलब आग निकल रही है। अरे यार इस बरस मेरी बिटिया की शादी होने वाली है। तो मेरी बेटी का क्या तलाक हो रहा है? ओहो तुम समझते नहीं हो, बहुत सारे काम होंगे जो मुझे ही देखने पड़ेंगे। तुम्हें क्या काम देखना है? बराती अपने घर से आएंगे, दूल्हा अपने घोड़े पे बैठ के आएगा, तुम क्या बैंड बजाने वाले हो? और तू बता जिस कुर्सी पर पिछले 10 साल से ये बैठे हैं उस कुर्सी पर दूसरा कोई भूतनी का बैठ सकता है? अरे इतना क्यों मार रहे हो बेचारे को? बस एक बात करो छोटे चाचा, इस बार चुनाव तुम लड़ो, मैं तुम्हें जिताऊं।
कुत्तों की लड़ाई में बिल्ली को कहाँ घुसा रहे हो? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने तो सारे इंतजाम कर दिए, उल्टे सीधे पोस्टर छपवा दिए, आपके नाम के गलत नारे छपवा दिए, और मैंने वो भी इंतजाम कर दिया, हंडिया मंगा ली, बाबू मंगा लिए, आग मंगा ली, सोफा चादर मंगा ली, चटाइयां मंगा ली। नहीं नहीं, आरती के लिए नहीं, मतलब पिंडाल बनवाने के लिए। और आप चाहते हैं मैं आपकी कुर्सी पर खड़ा हो जाऊं? आप खाली काम कीजिए, आप गांव वालों को इकट्ठा कर लीजिए, उनके सामने बोल दीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हैं एक दस्तूर के तौर पर, और एक डिपॉजिट दे दीजिए 25 रुपए का। आपके पास नहीं, मैं दे दूंगा, मेरी दोस्ती कब काम आएगी, बाद में मैं भाभी से मांग लूंगा। भाभी, अरे तू ऐसा करके क्या खड़ा है? कवाली गा रहा है क्या? अगर कवाली गाएगा तो बहुत मारूंगा, नहीं गाएगा तो उससे ज्यादा मारूंगा, और अगर ये इलेक्शन में खड़े नहीं हुए तो जान से मार डालूंगा। भाभी, अरे डाकुर साहब, चुनाव में खड़े हो जाइए, आपके खड़े होने में मेरी जिंदगी है, मैं खाम खा मरना नहीं चाहता, अगर आप नहीं खड़े हुए तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी, खड़े हो जाइए ना। चुप। आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, इसलिए मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हमेशा की तरह इस बार भी मैं पंचायत के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा हूँ, बाकी सब बातें छोटे ठाकुर चंडीदास जी आपको समझाएं। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि पिछले 10 साल से ये प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्होंने क्या कमाल कर दिया, कौन सा तीर मार लिया? किसी ने कहा है कि बिन कहे जो करे सो बड़ा और कह कर जो करे सो छोटा, और ये तो बहुत बड़े हैं, इसीलिए आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो आइंदा भी कुछ नहीं करेंगे। मेरा मतलब है कि बहुत कुछ करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं वो अभी सोचा नहीं, जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो सोच के बतलाएंगे, क्योंकि अभी से बतलाएंगे तो आप लोग समझेंगे हम लोग इलेक्शन की लालच में झूठ बोल रहे हैं, और हमको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ तो वो बोलते हैं जिन्होंने कभी सच बोला, और हमने कभी सच नहीं बोला तो झूठ काहे बोलेंगे, है कि नहीं? इसी बात पर नारा लगाइए, ठाकुर साहब को, बड़े ठाकुर को, बड़े ठाकुर को, बच्चे लोग दौड़ कर ताली बजाओ। चलिए जी, हो गया फैसला, आप इलेक्शन जीत गए, मुबारक हो। किसी में हिम्मत नहीं आपके खिलाफ आवाज लगाने की, है किसी में हिम्मत? मुझ में है। कौन है, कोई परदेसी है क्या? नहीं नहीं, परदेसी है। अपने गांव का है, घर का बेटी लंका ढह रहा है। रवि, तुमको पता तुम क्या करने जा रहे हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझ में हिम्मत है इनका सामना करने की। सामना करने के लिए सिर्फ हिम्मत का होना जरूरी नहीं है, इस गांव में इनका सामना करने का रिवाज ही नहीं है। इसका मतलब हर बार यही चुनाव लड़ेंगे और यही जीतेंगे? अरे ये आम चुनाव है, जो जीतेगा इस कुर्सी पर वही बैठेगा। अरे तुमको सीने से खड़े रहना तो आता नहीं, कुर्सी पे क्या हक बैठोगे? और बेटे, तुम क्या इनका सामना करके रहोगे? बिल्कुल, यह आजाद देश है, यहाँ चुनाव में कोई भी किसी का भी मुकाबला कर सकता है। जिस तरह गले में रुमाल बांधने से हर आदमी गुंडा नहीं हो जाता, उसी तरह 25 रुपए डिपॉजिट देकर हर आदमी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। अब अगर तुमको खड़ा होना है तो हो जाओ, मगर तुमको तुम्हारा वोट भी नहीं मिलेगा। जब तुम वोट डालने जाओगे तो घबराहट के मारे अपना वोट इनके डब्बे में डाल के चले। अरे खामोश छोटे, क्यों ऐसे आदमी के मुंह लग रहे हो जो अपनी बराबरी के नहीं? चलो। बड़े ठाकुर जिंदाबाद, बड़े ठाकुर जिंदाबाद। अरे कोई भी इंसान जिसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हुई हो ऐसा बेहुदा और गलत कदम नहीं उठा सकता। देख रवि, आप भी कुछ बिगड़ा नहीं, जा चुपचाप जाके चुनाव से अपना नाम वापस ले जा। मगर क्यों? ये देख, इसलिए इस प्रोनोट के लिए, ये वो दस्तावेज है जो हमने मालिक से कर्जा लेते समय उनको अपना सब कुछ लिखकर दे दिया था। अरे आज मुझे मालिक ने बुलाकर कहा, गोविंद ये लो अपना दस्तावेज, ले जाओ फाट डालो इसे, आज से तुम्हारा कर्जा माफ। अरे आज के जमाने में इतना रहम और दरिया दिली कहाँ मिलेगी? अब मामला समझ में आ रहा है कि बाप बेटे के खिलाफ मालिक की वकालत क्यों कर रहा है। क्योंकि उन्होंने बाप का कर्जा माफ कर दिया और उस कर्जे को रिश्वत का तीर बनाकर बाप के हाथों बेटे को घायल कर रहे हैं, ताकि मैं अपना नाम वापस लेने पे मजबूर हो जाऊं। अब तू जो भी समझ, क्या बाप और मालिक दोनों से दुश्मनी मोल लेकर ये चुनाव लड़ना जरूरी है क्या? मेरी बात मान ले बेटा, तू चुपचाप अपना नाम वापस ले ले, इसी बहाने हमारा कर्जा भी चुक जाएगा और हम चैन की जिंदगी जी सकेंगे। गुलामी करते करते इतने कुचले जा चुके हैं, इतने निवाले छीने जा चुके हैं कि सिर्फ आजादी की आवाज उठाने का ख्याल मन में आता है तो डर के मारे भूख की आग से घर जलता हुआ नजर आता है। अगर यही बुजदिली दुनिया की हर कौम में होती तो दुनिया का कोई मुल्क जुल्म के कदम उखाड़ कर आजादी का झंडा न लहराता, न हमारा देश आजाद होता। आज आजादी के बाद भी हम ठाकुरों की गुलामी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भैया, अगर उन लोगों को भैया का मुकाबला करना अपनी शान के खिलाफ लगता है तो उनसे कह दीजिए वो खुद अपना बड़कपन दिखाए और चुनाव से हट जाए। अरे ये क्यों नहीं सोचते, अगर भैया जीत जाए या सरपंच बन जाए तो कोई तो होगा जो पहली बार गरीबों की आवाज सुनेगा। अरे गरीब अगर गरीब की आवाज सुनेगा तो भी क्या करेगा,
एक भिखारी दूसरे भिखारी को सिर्फ हमदर्दी दे सकता है, भीख नहीं दे सकता। देख रवि, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जिद मत कर। मैं मानता हूँ तू समझदार है और मैं गवार, लेकिन मैं वफादार हूँ और तू जरूरत से ज्यादा मगरूर। तो कोई ऐसा उपाय निकाल कि मेरी वफादारी और तेरी खुददारी दोनों का खून ना होने पाए। है कोई ऐसा उपाय? एक उपाय है, एक उपाय है। आपकी वफादारी और मेरी खुददारी का खून ना हो, इसका एक ही उपाय है। आप अपने हाथों से मेरा खून कर दीजिए, ताकि दुनिया ये तो कह सकेगी कि बाप ने वफादारी के रंग को गहरा करने के लिए उसमें बेटे का खून भी शामिल कर दिया। लीजिए, रवि, मार दीजिए मुझे। ये तो क्या है? छोड़ो, 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 रवि। भाइयों और सज्जनों, जैसा कि आपको मालूम है कि ठाकुर साहब चुनाव के लिए खड़े हुए हैं और ये रवि उनके खिलाफ खड़ा है, तो ठाकुर साहब की एक शर्त है कि अगर रवि ये चुनाव हार गया तो हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाएगा। बोलो रवि, तुमको ये मंजूर है? मंजूर है, लेकिन ये हार गए तो? कौन ये? नामुमकिन, असंभव। इनकी और हार की तो कभी मुलाकात हो ही नहीं सकती। लगता है तुमको चलते फिरते आंखें खोल के सपने देखने की आदत पड़ गई है शायद। चलिए सपना ही सही, लेकिन मान लो अगर ये हार गए तो क्या ये भी गांव छोड़कर चले जाएंगे? क्या तुम इन्हें गांव छोड़कर जाने के लिए कह रहे हो? क्या ये बेघर है, बेजड़ है, फकीर है, कोड़ी है, बेकारी है? नहीं नहीं, मतलब ये दौलत वाले है, इज्जत वाले है, रईस है, ये गांव छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो फिर मैं कैसे चला जाऊं? मैं मजदूर हूं, मेरी मेहनत मेरी जायदाद है, मेरी ताकत मेरी दौलत है, मैं इस मिट्टी में जन्मा हूँ, इस गांव के हवा में सांस ली है, यही के पानी से अपनी प्यास बुझाई है। तो इन्होंने क्या यहाँ के पानी में डुबकी लगाई है? सीधे बोलो ना, क्या चाहिए तुमको? चुनौती और शर्त दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए। बताओ अगर ये हार जाएंगे तो क्या करेंगे? उस तरह फिरा के सर मुंडवा लेंगे बस। मुझसे मेरा पूरा गांव छुड़वा रहे हो और इनके सर बाल जाएंगे जो पहले से ही सफेद हो चुके हैं। अरे तुम्हारा गांव छुड़ रहा है तो इनसे दुनिया छुड़वा ले। चलो हजार दो हजार दिलवा देना उनसे। थू आए तुम्हारे हजार दो हजार पे, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, शर्त लगा रहा हूँ। पैसा नहीं देंगे तो क्या ये अपनी बेटी देंगे तुमको? ये हुई ना इंसाफ की बात, छोड़े रखो। हाँ ठाकुर साहब को ये बात मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। अच्छी बात, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये लुच्चा लफंगा दोकोड़ी का मजदूर अगर गांव छोड़ने के लिए तैयार है तो क्या मैं इसके लिए अपनी बेटी को धोखा लगा दूं? अरे आप चुप रहिए ना, अकल है ना शकल। छोड़े, मेरा मतलब है आप जरा चुप रहिए। बड़ी मुश्किल से जाकर ये साला हमारे शिकंजे में फंसा है और ऐसा फंसा कि दम निकल जाएगा, मगर ये साला नहीं निकलने पाएगा। इससे सिर्फ एक ही बात कहो, ये लिख कर दे कि अगर चुनाव में हार गया तो ये गांव छोड़कर चला जाएगा। शौक से लिखवाइए। रोहन मेहरबान, स्टैंप पेपर लाओ। लो मुखिया जी, लिखो। मैं? तो क्या मैं? लिखो वरना मुखिया गिरी खतरे में आ जाएगी। लिखता हूं। बस करो, कितना लिख रहे हो यार? बस हाँ। रवि आखिरी बार ठीक से फिर सोच लो, उसके बाद पढ़ो, उसके बाद दस्तखत करो। लेकिन अपना जानता है कि अंगूठे छापो? हाँ इतना तो जानता हूँ कि आपकी किस्मत पलटकर अपने कलम से अपनी किस्मत लिख सकता हूँ। किस्मत तो तुम्हारी पुराने मटके की तरह फूट चुकी है बेटे, इसलिए तुमको हरी हरी सूझ रही है। लोदान, लोदान को जीत गए। चलो भाई उठो, चलो 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 चलो। ठहरो बुजुर्गों भाइयों, एक मिनट, बात खत्म कहाँ हुई है? अभी तो आधी बाकी है। क्या मतलब आधी? कैसे बाकी है? कागज पर लिखवा कर मेरे दस्तखत तो ले लिए। तो इनके दस्तखत कौन लेगा? मैं है। तो तुम्हारा मतलब है कि ये भी स्टैंप पेपर पर लिख के दे कि अगर ये इलेक्शन में हार गए तो ये अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा देंगे? कायदा तो यही कहता है, पर आपने अभी अभी कहा कि हर बात कागज पर लिखी होनी चाहिए, जबान पर विश्वास नहीं। ये तो बड़ी जिल्लत की बात है। क्यों? जो बात मुंह से कही वो बात लिखकर देने में जिल्लत कैसी? नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैं हूँ ना, तुम घबराते क्यों? अरे हाथ उठाओ, मुझे नहीं लड़ना, चुनाव लड़ाओ। क्या करते हैं आपको भी कभी कभी लगता है बेवकूफ की मिर्गी आ जाती है, चलते चलते पलटी मार देते हैं। तो और क्या करूं? अरे बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, आप पीछे हट रहे हैं, नाम वापस ले रहे हैं, तो वो तो बैठे बैठा जीत जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ता बात कीजिए, वरना गांव वाले हमारे खिलाफ नारा लगाना शुरू कर देंगे। अभी मामला गर्म हो चुका है तो आप उसमें बर्फ का ठंडा पानी डाल रहे हैं। जरा सोचिए, आपका गुलाम आपके पैरों को चंपी करने वाला, उसका बेटा आपको चैलेंज कर रहा है और आप उसका मुकाबला करने के बजाय दुम दबा के भाग रहे। अरे हो सकता है कल गांव वाले ये देखकर आपके मुंह पर थूकना शुरू कर दे। मैं भी थूक तो नहीं, मैं बता रहा हूँ। मेरा क्या, मेरा तो दूध खराब हो जाएगा। ऐसा जलील काम मत करो मेरे बाप, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, ऐसा मत करो। लड़ो हैं, जलील काम हो जाएगा, नहीं तो देख रहे हैं। और एक नौकर की बेटी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, कैसे लिख कर देना? क्या क्या जरूरत का काम नहीं है?
अरे आप तो ऐसी बात करते हैं जैसे वो नौकर की औलाद। आपसे जीत गया, आप हार गए और आपको उसको बेटी देनी पड़ रही है। कभी ना होने वाली बात को होने वाली बात समझकर आप खौखौवा डरते रहते। क्या क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप ही जीतेंगे। विश्वास नहीं आता तो गांव वालों से पूछिए। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस चुनाव में तभी खड़ा होऊंगा अगर आप सब लोग ये वादा करें कि इस चुनाव में वोट देकर आप मुझे जिताएंगे। तो क्या आप सब लोग मुझे वोट देंगे? अरियल टट्टू रवि कबच्चा, हमारे मनपसंद ठाकुर साहब रवि कबच्चा, ये जो नारे लगा रहे हैं ये तो लौंडे लफाड़िए हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो क्या हुआ, इनके माँ बाप को तो है ना? ये लोग यतीम खाने से इनके माँ बाप नहीं है। अब तो तसल्ली हो गई ना, लिखवाओ कागज में। अरे गुलबान कागज निकाल, लिखिए। क्या लिखूं? ये बताना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना। हाँ, लिखो यार। हाँ, लिखता हूँ। मैं बड़े ठाकुर, ठाकुर अगर मैं इलेक्शन में हार गया तो नहीं, ये तो कानून की जबान है, लिखने से कोई थोड़ी हार जाता है। आहिस्ता नहीं तो दस्तखत नहीं करेगा। तो मैं अपनी कंचन का हाथ रवि के हाथ में देकर उसको अपना दामाद बना लूंगा। अब वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। ये तुम रखो और ये आप रखिए। खा नहीं रहे? कुछ परेशान है? पद्मा, मैं ये चुनाव जीत जाऊंगा ना? लो, पिछले 10 वर्षों में तो ये डर कभी पैदा हुआ नहीं, आज क्यों हो रहा है? अरे भाई, पहले कुछ और बात थी, मैं अकेला खड़ा होता था, चुनाव जीत जाता था, मेरा कोई विरोधी नहीं था। आज मामला बदल गया है। ये कंचन का वापस लौट रही? खत में तो लिखा है कि शहर घूमकर एक दो दिन में वापस आ जाएगी, पर ये अचानक कंचन का कैसे ख्याल आ गया? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही इस कमबख्त चंडीदास ने मुझे बैठे बिठाए एक बखेड़े में फंसा दिया है। तो ये कौन सी नई बात है, वो तो कलयुग का नारद है। मुझे भी एक ऐसी चक्कर में फंसा दिया है उसने। अगर मैं ये चुनाव हार गया तो कंचन की शादी रवि के साथ कर दूंगा। ये कागज पंचों के सामने मुझसे लिखवाकर वही कागज रवि के हाथ में थमा दिया है। हे भगवान, बाप ने ये लिख कर दे दिया। लड्डू लेते जाइए भाइयों, लड्डू लेते जाइए ठाकुर साहब, लड्डू लेते जाइए। एक आदमी एक ही लड्डू, दो दो काम ले लो। लड्डू लेते जाओ और ठाकुर साहब के नारे लगाते जाओ। अरे मुंह में ठाकुर साहब का लड्डू डाल लिया है, लड्डू में से ठाकुर साहब के लिए आवाज तो निकालो। ठाकुर साहब, अबे बबम बबम नहीं, जिंदाबाद ठाकुर साहब। अबे मुंह में ठाकुर का लड्डू है, लड्डू में से ठाकुर की आवाज ही निकलता है, बोल ठाकुर साहब। तुम लोगों को तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगा, तुम्हारी गंभीर समस्याओं को दिल्ली लेकर जाऊंगा। ये खड़े खड़े पार्लियामेंट में जाएंगे इसी सीट में, और अफ्रीका में हो रहे जुल्मों को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अत्याचार सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि तमाम इंसानी बरादरी पर हो रहा है। मैं अपने भाषण के बारूद से युवाओं को उड़ा कर रख दूंगा और अफ्रीका को आजादी दिलवा कर रहूंगा। तू क्यों ताली बजा रहा है? तेरा बाप अफ्रीका का था? नहीं। तेरी माँ अफ्रीका की थी? नहीं। तेरे मालूम अफ्रीका किधर है? हाँ, एक बार मैंने नक्शे में देखा था, आजमगढ़ के बाजू में है। अच्छा, वो बता दिया, मुझे नहीं मालूम था। इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। खाली लिखा हूँ, पढ़ा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगले दिन अगर कोई पूछे तो कहना मैंने तुझको बताया था। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने कीमती वोट मुझे ही देंगे। और शरीर ढाकने के लिए आपने कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा। कहना क्या है, हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये देखो, ये लो, छोड़ दो, छोड़ छोड़ छोड़, ये लो। लगता है आपके भाषण का लोगों पे काफी अच्छा असर पड़ा है। क्या मतलब? मतलब कपड़े ये खराब हो गया। अरे कल वोट लेना तो आज कपड़े देने पड़ेंगे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, कपड़ा दो, ठाकुर साहब कपड़ा दो, देंगे भाई देंगे, कपड़े सबको देंगे। इसे कहते हैं भूखी जनता का नंगा लीडर। तुम सच्चाई का स्तंभ हो, कुर्बानी का कुतुब मीनार हो। ठाकुर साहब, मेरी तमन्ना है कि काश दुनिया के तमाम अखबारों में आज तुम्हारी ऐसी हालत में तस्वीर छप सकती तो कल दुनिया को पता चलता कि जनता को कल नंगा करने वाला लीडर आज खुद नंगा खड़ा हुआ। मैं तो कहता हूं आप ऐसी रहा कीजिए, आप ऐसे अच्छे लगते हैं, कपड़ों में ज्यादा नंगे दिखते हैं, नंगे में ज्यादा शरीफ लगते हैं। चुप चुप,
ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। देवी माँ, तू सारे संसार की माँ है। आज तेरे गरीब बेटे की इज्जत का सवाल है। वो हार गया तो तेरे सामने सर झुकाने वाले सारे गरीब बेटों की हार होगी माँ। गरीबों के दुख के लिए तड़पने वाले तेरे बेटे को इज्जत से जिता दे माँ। माँ, ये छोटी सी भेंट है, इसे स्वीकार कर लो। ये मेरे मन्नत की निशानी है। पुजारी जी, ये साड़ी लीजिए, माता पे चढ़ा दीजिए। गंगापुर के वासियों, वोटों की गिनती जिस प्रकार से चल रही है, ये वोटों की गिनती खत्म क्यों नहीं हो रही है? उन्हीं वोटों को बार बार गिनने गए लोग। ऐसा ही कुछ लग रहा है। अरे फिकर मत करो, आप हारेंगे। नहीं नहीं, जीतेंगे। मुंह से निकल गया। 1195 वोटों की गिनती जारी है। ठाकुर साहब, ये रवि का बच्चा तो हाथ में मंगलसूत्र लेके घूम रहा है। क्या? किसने? सुना नहीं आपने? वोटों की गिनती में हम आपसे आगे हैं, मतलब आपसे लीड कर रहे हैं। तुम लीड कर रहे हो तो ठाकुर साहब क्या लीड कर रहे हैं? जी 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 जी। अरे वो हम लोगों की बेईमानी के वोटों का बक्सा किधर गया? ए दुखिया के मर गया। लोमान या खड़ा रहे, और जैसे इलेक्शन का नतीजा निकले मुझे खबर कर देना। और ठाकुर साहब का ख्याल रखना, खुद भी मत डरना, इनको भी डरने मत देना। मैं अभी आया। आ जाए। कैसे टेढ़े मेढ़े चल रहे? नहीं, अब ग्राम पंचायत के चुनाव का परिणाम घोषित किया जा रहा है। रवि कुमार अपने विरोधी ठाकुर अटल सिंह को 1000 मतों से पछाड़ कर ये चुनाव जीत गए। बेटी, तू क्यों आ गई? जी मेरा मतलब है, तू कब आई? बस मैं अभी आई हूँ। वो तेरा भाई कहाँ? हम लोग कार से पहले आ गए थे। दूल्हे के माँ बाप ट्रेन से आ रहे हैं, भैया कार लेकर स्टेशन गए हैं। अच्छा, तू चल चल जिम में बैठ जा। अरे हम तो अभी अभी आए और आप जाने को कह रहे, आखिर बात क्या है दादी? मैंने कहा ना बाद में बताऊंगा, चल तुम अपना सामान उठा। अरे भाई, जिम उठाकर सामान में रखो। ओहो, क्या मुसीबत है, ये कबक चंडी दास उसका सत्यानाश हो। अरे भाई, सामान उठाकर जल्दी से जिम में रखो। अरे नदी, गाड़ी कैसे मोड़ू? अरे तुम कैसा ड्राइवर है, जल्दी से गाड़ी मोड़ो। ये क्या हंगामा है दादी? कुछ नहीं कुछ नहीं बेटी, ये गांव के नीचे लपंगे हैं ना, दारू पी के हंगामा कर रहे हैं। ठाकुर साहब, अपने इकरारनामा को ठोकर मारकर और रवि की जीत की खबर सुनकर अपनी बेटी को लेकर गांव से भाग जाने की कोशिश कर रहे थे, शर्म आनी चाहिए आपको। कौन भाग रहा था? मैं भाग थोड़े रहा था। तो क्या बेटी को साथ लेकर गांव आपका स्वागत करने जा रहे थे? पहले ये सिग्नल चलाना बंद करो और सीधे मुंह बात करो। तू अंदर जा बेटी, चलो तू मेरे साथ। आइए आइए समझी जी, आइए तशरीफ लाइए। अब तो आप खा बखा भीख मंगे से ठाकुर घराने के संधी बन गए। भीख मंगो, तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ चाल चली है। जिंदगी भर तूने मेरे पैर दबाए और आज मौका मिलते ही तुमने मेरा गला दबा दिया। मेरी इज्जत, मेरे घर को बर्बाद कर डाला तुम लोगों ने। नबखराबो, मैंने तुम लोगों को अनाज खिला खिला कर समझा रखा और आज आज मेरे ही घर की दीवारों को हिला रहे हो तुम लोग। मेरी ही इज्जत की बुनियाद को भारूड से उड़ा रहे हो। मालिक, इसमें कसूर मेरा ही है। मालिक, उस दिन जब रवि मेरे हाथ में छुरा देखकर मुझे कह रहा था कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस चुनाव में खड़ा रहूं तो आपने हाथों से मेरा खून कर दीजिए, मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए, उस वक्त अगर मैंने यही किया होता तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। मालिक, देखो गोविंद, अब भी कुछ नहीं मिला, तुम्हें जितने रुपया पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम कहो तो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारे बेटे के नाम कर देता हूं। तुम सिर्फ अपने बेटे से इतना कहो कि वो मुझसे न कहे कि अपनी बेटी की शादी उससे करवाऊं। तुम्हारे सामने तो मैं अपने सर झुका सकता हूँ गोविंद,
लेकिन जिस लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी होने वाली है उनके सामने मेरा सर पर चुप दे दो। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। मेरी मान मर्यादा इज्जत आबरू अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है गोविंद। मैंने इन्हीं हाथों से सारी जिंदगी तुम्हें रोटी कपड़ा अनाज रुपया पैसा इज्जत सब कुछ दिया है। अब यही हाथ फैलाए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। अगर मेरी बेटी को मालूम हो गया कि मैंने इतनी जबरदस्त गलती की है और अपनी जिद के जुए में सताओं पर लगा बैठा हूं तो वो मेरे मुंह पर थूकेगी। जाओ गोविंद जाओ, अपने बेटे को जाकर समझाओ और ये पागलों की तरह चलाती हुई भीड़ को यहां से हटाओ। बाकी हम सब बैठकर अपने हिसाब किताब कर लेंगे। सोच के रहे। देखो गोविंद, इतने दिनों तक तुमने अपने हाथों से मेरे पैरों को दबाया है, अगर कहो तो आज मैं अपना सर तुम्हारे पैरों में रखने के लिए तैयार। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसी बातें कहकर मुझे पापी मत बनाइए मालिक, मैं कोशिश करता हूं। सिर्फ इतना कहना है रवि कि तू यहां से चुपचाप चला जा और इन सब से कह दे कि यहां से चले जाए। अरे ऐसे कह दी जाए, जब तक के रवि ठाकुर साहब की लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं पहनाता यहां से कोई नहीं जाएगा। ठाकुर साहब की लड़की के गले में जबरदस्ती मंगलसूत्र अगर तुम्हें पहनाना है रवि तो पहले मेरे टुकड़े कर दो, उन टुकड़ों से गुजर के ही तुम उस लड़की तक पहुंच सकते हो। पिताजी, अरे कैसा बेशरम बेटा है तू, इतना सब सुन के भी यहां बैठा है? मतलब तेरी नजरों में गांव वालों की बाप का मान ज्यादा है, बाप की जिंदगी का कोई मान नहीं है। आज तक मैं सीना ठोक कर लोगों से कहता कि यह मेरा बेटा है, इसकी रगों में मेरा खून है, मैं इसका बाप हूं, मगर नहीं, आज तो लगता है मैं नहीं ये सब गांव वाले तेरे बाप हैं। अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते तो उसका सर कट के जमीन पे पड़ा होता। आपने गांव वालों के सामने मेरी मां को गाली दी है, इन गद्दारों की वफादारी में आपने मेरी मां के पवित्र आंचल पर कीचड़ उछाला है, इसके बावजूद मैं खामोश हूं, यही इस बात का सबूत है कि मैं आपका बेटा हूं। इससे पहले कि मैं इस रिश्ते को भुला दूं, उसकी हदों को पार कर दूं, आप यहां से चले जाइए, चले जाइए यहां से। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सारा गांव जो मेरे लिए जिंदा बाल जिंदा बात के नारे लगा रहा है एकदम उसकी तरफ हो जाएगा। मेरे साथ प्रेम हुआ है बेटी, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इतनी गंदी और गिरी हुई हरकत की है आपने, इस हरकत के लिए आपको अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए शर्म नहीं आती? और अब फायदा भी क्या है, माफी मांगनी है तो जाकर उनसे मांगिए जो बाहर खड़े नारे लगा रहे हैं। कंचन, एक बाप अपने केहुए पर शर्मिंदा है, वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर सर झुकाए माफी मांग रहे हैं। अगर तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती तो मत करो, पर कम से कम उनका अपमान तो मत करो। तुम क्या चाहती हो कि वो बाहर निकलकर उन लोगों के पैरों पर सर रखकर उनसे माफी मांगे? जुआ इन्होंने खेला है, गलती इन्होंने की है, तो फिर माफी भी इन्हें ही मांगनी पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? अरे जाके अपने परम पूज्य पिताजी से पूछिए कि हम लोग क्यों शोर मचा रहे हैं। क्यों, फिर तो कोई मजदूरी मजदूरी का झगड़ा है क्या? जी नहीं, यहाँ तो शादी ब्याह का झगड़ा है। ठीक है ठीक है, जो भी है आप लोग बाद में आना, ये लोग यहाँ पर रिश्ते की बातचीत करने के लिए आए हैं। हम भी रिश्ते की बातचीत करने के लिए आए हैं हुजूर। क्या मतलब? मतलब ये कि इसे पढ़ लीजिए। फिर हम लोगों का क्या होगा? आओ कागज लाओ, मैं अभी आता हूँ। क्या ये सब सच है? वाह, बड़ी बेशर्मी से सर हिला रहे हैं। ये दस्तखत आपने अपने होश में किए या किसी के दबाव में आके किए या किसी के जोर में आके किए? ऐसी कोई बात नहीं, चढ़ाती है। हालात कुछ भी हो, ये इसकी जिंदगी और मौत का सवाल है। दस्तखत करने से पहले आप लोगों से कह सकते थे कि हमारी सलाह के बिना आप दस्तखत नहीं करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। आप जब लड़के के मां बाप को
मैं घर में शादी की बात करने के लिए लेकर आया हूँ, आपने खड़ा खड़ा करके रख दिया है। तबेले में खड़ी हुई गाय को आप जितना भी मार पीट लो, अपनी गर्दन नहीं झुकाते किसी तरह से बनवाने के लिए। आपने सोच कैसे लिया कि हमारी बहन एक ऐसे आदमी से मंगलसूत्र बनवा लेगी जिसे एक वक्त की रोटी खाने के भी लाले पड़े हो? क्या आप धर्मराज के रिश्तेदार हैं जिसने महाभारत के जमाने में एक औरत को दांव पे लगा दिया था? लेकिन वो औरत उसकी धर्म पत्नी थी, उस पर उसका अधिकार था। तुम्हें क्या अधिकार था कि किसी और की होने वाली धर्म पत्नी जो तुम्हारी बेटी है, जिसे हम पराया धन कहते हैं, उसे दांव पे लगाने का? बहन जाओ चूल्हे से जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ। जिन हाथों ने वो दस्तखत किए हैं मैं उन्हें जलाकर राख कर दूंगा। बंद करो ये बकवास। क्या कहा तुमने और किसके लिए कहा? इनसे कुछ भी कहने सुनने का हक अगर किसी को है तो सिर्फ मुझे, और मैं खामोश हूँ। बाहर सारा गांव इनका दुश्मन बनकर चौखट पर खड़ा है, उधर लड़के वालों को तुमने बुला रखा है। क्या गुस्से से तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया कि तुम सबके सामने अपने पिता का अपमान कर रहे हो, उन्हें गाली दे रहे हो? हाँ इनसे गलती हुई मैं मानती हूँ, पर इस गलती को संभालना तुम्हारा भी फर्ज है। जाओ उन लोगों को समझा कर रवाना करो। जाओ। बाजा बंद, मैं आ गया हूँ। कहो क्या कहना है? आपके पिताजी ने कुछ बताया नहीं? हाँ बताया। फिर तो फिर बुलाइए दुल्हन को। बाजा, हार, मंगलसूत्र सब कुछ तैयार है, सिर्फ दुल्हन का इंतजार है। और अगर हम इस शादी के लिए तैयार ना हुए तो हम आपको जबरदस्ती राजी करवा लेंगे। क्यों रे? इस गांव में हमारी खुशियां हमारी शान और शौकत उसे देखी नहीं गई, इसलिए मेरे डैड को धोखा देकर गलत बात लिखवाकर ब्लैकमेल कर रहा। बोल इस सौदे की तुझे क्या कीमत चाहिए? वो कीमत ले और दबाओ यहां से। तुम्हारे पैसे मेरे पैरों की धूल के बराबर है। पैसे देकर तुम मुझे खरीद नहीं सकते। हाँ अगर चाहो तो बेटी देकर दामाद बना सकते हो। क्यों भाइयों? लगता है तुम लोग यहाँ पर दंगा फसाद करने के इरादे से आए हो। ठीक है खड़े रहो, अभी पुलिस बुलाकर तुम सबको गिरफ्तार करवाता हूं। खाम का क्यों पुलिस पुलिस चिल्ला रहे हो? हाँ पुलिस का सिर्फ तुम लोगों के लिए है। हाँ अगर चाहो तो बुलवा लो, पुलिस के पहरे और हिफाजत में अगर ये शादी होगी तो और मजा आएगा। क्यों भाई? ये जो दो जबड़ों के बीच 6 इंच लंबी जबान है ना, वो सिर्फ हिले तो ठीक है, हाथ पैर हिलाने की कोशिश करोगे तो देख लो मेरे पीछे कितने हाथ है। ऐसी धुलाई होगी कि कोई बाकी गोटी बन जाएगा। हाँ हाथ तो बहुत है, लेकिन अगर मेरी पिस्तौल निकली सबके हाथों को साफ सूंघ जाएगा। एक एक को भून के रख दूंगा मैं। अरे छोड़ो साले मियां, ये भटियारों की तरह भुनने और तलने की बात मत किया करो। मर जब सर पे कफन बांधकर सीने में फौलादी जज्बा लेकर घर से निकलता है ना, तो बंदूक से निकली हुई गोली घबरा कर किसी और तरफ चली जाती है। अच्छी बात है, तुम्हारे सीने में कितना दम है? पुलिस को आने दो, चीर के देख लूंगा मैं। अरे चल चल, चीर फाड़ के औलाद चल। तू चल मेरे साथ चल। ये सब तेरी वजह से हुआ कुत्ते, इस घर की बर्बादी का कारण तू है, तू। मारो मालिक, और मारो, जी भर के मारो। ऐसा बेटा पैदा करके मैंने जो पाप किया है उसके बदले में आपने मेरी जान ली तो भी कम है। मारो मालिक। साले जबान चलाता है, जबान चलाता है तू हमारे साथ। कसार जबान चलाता है, जबान चलाता है। बस कुछ जाए, इस गरीब बेकसूर पर क्यों हाथ उठा रहा है, इस पर क्यों अपना गुस्सा उतार रहा है? और क्या करूं, इन्होंने तो हमें कहीं खाली छोड़ा। आप यहाँ पर सर झुकाकर खामोश खड़े हैं और बाहर लोग हमारा सर काटकर ठोकरों में डालने के लिए बेचैन खड़े हैं। मुंह छुपाने का भी रास्ता नहीं छोड़ा आपने। उस सुअर के हाथ में हाथ देने से बेहतर है कि आप मेरी बहन को किसी कुएं में धकेल देते, 4 दिन का रोना रोकर चुप हो जाते। आप खामोश क्यों हैं? कोई उपाय सोचिए, नहीं तो वो कुत्ते घर के अंदर घुस जाएंगे। बोलिए। अरे मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्महत्या कर लो। गंजन देख इनकी क्या हालत हो रही है। बेटी फैसला तेरे हाथ में है, तू ही फैसला कर सकती है। क्या फैसला? शादी? नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। और डैडी ने ही तो कहा था कि वो मेरी शादी वही करेंगे जहां मैं चाहूंगी, और आज मेरी मर्जी के खिलाफ। नहीं माँ, तेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो तेरे गले में मंगलसूत्र बंधेगा या मेरे गले से मंगलसूत्र उतर जाएगा। माँ जो तू चाहे फैसला कर सकती है। खबरदार, हम इज्जतदार लोग हैं, खैरतमंद इंसान है,
जहर पी के जान दे देंगे लेकिन अपनी बेटी को दांव पे नहीं लगाएंगे। तू लानत है तुम पर, अगर तुम्हारा बाकी ठाकुर खानदान से कोई संबंध है और तुम्हारे खून में एक भी खतरा इज्जत का बाकी है तो सारा खानदान जहर पी के जान दे दे। चलो जी निकलो इन बेगैरत इंसानों के घर से। सर झुकाकर चलना सीखो। तुम अमीर लोग तो सिर्फ गरीबों को झुकाना जानते हो, खुद झुकना नहीं जानते। लेकिन ये ऊपर वाले का उसूल है, जो ऊंचा उड़ता है वो नीचे गिरता है। सर चलो। अरे माँ वहां क्यों खड़ी है, इधर आ। आज तेरा बेटा तेरे लिए बहू लेकर आया है, तेरे को आशीर्वाद नहीं देगी। झुक झुक जियो, सदा सुखी रहो बेटा। कंचन जानती हो ये कौन है? ये वो औरत है जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया। मेरे लिए इनका दर्जा इस घर में भगवान के समान है। अगर ये मेरे लिए भगवान है तो तुम्हारे लिए भी भगवान है। जाओ भगवान के चरण छूकर आशीर्वाद दो। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत। तू चुप रह मां, क्या इरादा है? मुबारक हो मुबारक हो, जिंदगी में पहली बार सर और शरीर झुका है। लीजिए मालिक। आज कुछ मीठा नहीं बना है? मालिक मीठा तो आप उस दिन खाते हैं जब किसी से बदला लेना होता है। फिकर मत करो चंडी मामा, मुंह मैं मीठा कराऊंगा। रवि तुम? हाँ मैं, आपके लिए मिठाई लाया हूँ, माँ ने खास कर भिजवाई है। माँ का कहना है ये शादी सिर्फ आपके कारण हुई है, वरना नामुमकिन थी। भगवान इस गांव की हर माँ को तुम्हारी माँ की तरह समझदार बना दे, जो खुशी के किसी भी मौके पर अपने भाइयों का मुंह मीठा करना नहीं भूलती है। मेरी माँ समझदार नहीं है, भोली है, इसलिए तुम्हें पहचान ना सकी। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खास तोहफा अपनी तरफ से लाया हूं। अपनी तरफ से? क्या है इसमें? खोलकर देख लो। ये तो खंजर है, मुझे क्यों दे रहे हो? ताकि मेरी पीठ पर घोंपने के लिए तुम्हें खंजर तलाश करना ना पड़े। वैसे तो लोगों की पीठ पर वार करना तुम्हारी पुरानी आदत है, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुझे जलील करके इस गांव से निकाल दिया जाए। लेकिन तुम अपने शैतानी इरादों में कामयाब ना हो सके, तुम्हारी शिकस्त हुई। मेरी अच्छाई और मेरी ईमानदारी ने तुम्हारे नापाक इरादों को कुचल कर रख दिया और मैं जीत गया। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई, अभी कहना कुछ बाकी है? कहने के लिए तो इस दिल में इतना लावा भरा है कि सुनते सुनते तुम्हारे कानों के पर्दे जलकर खाक हो जाएंगे। नहीं बल्कि अगर मैं सच्चाई बयान करूंगा तो तुम्हारे हाथों से होश के तोते उड़ जाएंगे। रवि बाबू अगर तुम समझते हो कि इलेक्शन तुमने अपने काबिलियत के बल पर जीता है तो तुम बेवकूफ आदमी हो, और तुम्हारी कमअकली भी मुझे रोना आ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है जनाब रवि साहब कि आप इलेक्शन जीते नहीं बल्कि जिताए गए हैं। जिताया गया? जी हां। अगर आप अपनी याददाश्त पे जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि वो मैं था जिसने तुम्हें ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पे उकसाया, वो मैं था जिसने उस दीदी ठाकुर से एक बेहूदा और निकम्मे दस्तावेज पर दस्तखत करवाए, वो मैं था जिसने सारे गांव को इलेक्शन से पहले ठाकुर का तरफदार कर दिया ताकि वो दस्तावेज पर दस्तखत करने से मुकर ना जाए, और फिर वो मैं था जिसने एक रात में सारे गांव को ठाकुर के खिलाफ कर दिया और तुम इलेक्शन जीत गए। तुमने किया? हाँ मैंने किया। मगर क्यों? इस क्यों का जवाब बहुत दर्द में डूबा हुआ है। क्या है, मंदिर से आने में कितना वक्त लगा दिया? नहीं भैया मैं मंदिर नहीं गई थी। मंदिर नहीं गई थी तो फिर कहाँ गई थी? भैया आप नाराज मत होना, मैं छोटी ठाकुर सूर्य प्रकाश सिंह से मिलने गई थी। सूर्य प्रकाश से? हाँ भैया। क्यों? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपको बड़े ठाकुर के पास पैगाम लेकर जाने को कहा है। ये कैसे मुमकिन है? माना कि हम लोग भी ठाकुर है मगर हम लोग गरीब हैं, हम लोग बेहद अमीर हैं हमारे पास। भैया पहल मैंने नहीं की थी, पहल उन्हीं की तरफ से हुई थी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं शादी तुम्हीं से करूंगा गीता।
ठीक है, अगर ऐसा है तो उससे कहो कि अपने बड़े भाई से शादी की बात करे फिर। भैया वो बड़े ठाकुर से बहुत डरते हैं, इसलिए ये काम आप ही को करना होगा। ये क्या बात है, शादी का वादा भी करता है और बड़े भाई से भी डरता है, अजीब बात है ये तो। भगवान के लिए जाओ भैया, जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी करवा दो, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अगर और ज्यादा देर हो गई तो मुझसे जिया नहीं जाएगा भैया, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है भैया। भगवान भगवान, मैंने एक बार मुझे, तू चिंता मत कर मैं जाऊंगा। दास, इतना नीच रिश्ता लेकर हम सूर्यवंशी ठाकरों की हवेली के अंदर आने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये हिम्मत मुझे ठाकुर साहब उन दोनों बच्चों के प्यार ने दिलाई, और दोनों दूसरे को बहुत चाहते हैं। सूर्य प्रकाश जी। भैया ये भिखारी क्या बकवास कर रहा है, ये कहना चाहता है कि तुम इसकी बहन से प्यार करते हो, क्या ये सच है? हाँ भैया, मैं गीता से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। खामोश, जो लड़की इस घर की नौकरानी बनने के काबिल नहीं, तुम उस नीच लड़की को सूर्यवंशी ठाकुर खानदान की बहू बनाना चाहते हो। जो लोग हमारी चौखट के बाहर खड़े होकर भीख मांगने के काबिल नहीं, तुम उन्हें हमारे रिश्तेदार बनाकर हवेली के अंदर लाना चाहते हो। बकवास बंद करो और जाओ अपने कमरे में, जाओ मैं कहता हूँ। और तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, तुम भी जा सकते हो। ठाकुर साहब, मेरी मासूम बहन के गर्भ में आपके भाई का बच्चा है। ये बहुत पुरानी चाले है चंडीदास, कि पहले ठाकुर खानदान के बीज को पेट में उगालो, फिर धमका कर अपनी बेटी अपनी बहन को उस खानदान की बहू बना दो। गरीबों की बेटियां ठाकुरों के बच्चों की माँ बन सकती हैं, मगर उनकी बीवियां नहीं बन सकती। ऐसा जुल्म मत कीजिए, मेरी एक ही बहन है, उसके लिए मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ। भगवान ने आपको भी एक बेटी दी है, अपनी बेटी की खुशियों के सदके में मेरी बहन की झोली में भीख डाल दीजिए। बस मामा बस, तुम अपनी बहन को प्यार करते हो ना? हाँ। इसी तरह हर भाई अपनी बहन को जान से ज्यादा प्यार करता है बेटे। उस दिन से मैंने कसम खाई कि मैं उस ठाकुर से बदला लूंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं उसका सारा गुरूर सारा घमंड निचोड़ कर रख दूंगा, उसके अहंकार के छीतड़ उड़ा दूंगा। क्योंकि मैं जानता था कि ठाकुर की भी एक बेटी है, एक दिन वो भी जवान होगी और उस बेटी की जवानी की तलवार से मैं उस मगरूर ठाकुर के घमंड को काट कर उसके कदमों में डाल दूंगा। मैं ठाकुर के करीब पहुंचने लगा उसका विश्वास जीतने के लिए, ताकि एक दिन दीमक बनकर मैं उसे खोखला कर दूं। राज, लगातार 10 साल के इंतजार के बाद मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूं। तो मगरूर ठाकुर जो गरीबों से नफरत करता तेरे, आज उसकी अपनी बेटी एक गरीब की बीवी बनकर महलों से झोपड़े में पहुंच गई है। बेटा, महलों से झोपड़े में पहुंच गई है। तो महान हो मामा, सचमुच महान हो। हाँ बेटा, महान तो तुम हो, मैंने तो सिर्फ अपनी बहन का बदला लिया है, अगर तुम तो गांव की हर बहन का बदला ले रहे हो, गरीबों का बदला ले रहे हो। गरीबी गरीब की बहन होती है, और तुम गरीबी की इज्जत का बदला ले रहे हो बेटे, गरीबी की इज्जत का बदला ले रहे हो। भाभी मत कहो मुझे भाभी। अरे भड़कती क्यों है, भाभी को भाभी नहीं कहेगी तो क्या चाची कहेगी? चलो कुछ खाना खा लो। नहीं चाहिए मुझे खाना। देखो दोपहर को भी आपने भीड़ भाड़ की वजह से कुछ भी नहीं खाया, अभी तो कोई नहीं है, सब चले गए, कुछ खा लो। अरे अभी नहीं खाएगी,
पति के झूठे बर्तन में खाना पत्नी का धर्म होता है। वो मेरे झूठे बर्तनों का इंतजार कर रही है। जा तू और माँ खा ले जा। भाभी भूखी रहे और हम खा ले, ये कभी हो सकता है? भूख और फाके सहने की आदत तो हमें है, भाभी को तो नहीं। इसे तो बाद आदमी सहन करने की आदत पड़ गई है। मत खाने दे, जब आते कुल बुलाएंगी और पेट में चूहे दौड़ेंगे ना, अपने आप पता चल जाएगा कि भूख क्या चीज होती है। मुझे पता चले या ना चले, इसकी किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। आपका इस घर पर पहला हक है, आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। ये आप क्या लगा रखा है? तेरी बहू है, तू बोल तू, ये आप क्या होता है? तू चुपचाप खाना खा। हाँ मैं तो खाना खा रहा हूँ। ओह क्या खाना है, अमृत है अमृत। अदम जमा, तेरे हाथ में तो जादू है। बड़ा बदकिस्मत है वो जिसने तेरे हाथों का खाना खाने से इनकार कर दिया। डकार भी क्या शानदार है, ये ऐसा लग रहा है कि पेट में शेर कव्वाली गा रहा है। कहते हैं सुहाग रात औरत की जिंदगी की सबसे कीमती रात होती है। उसके चेहरे पे पड़ा हुआ घूंघट उसके हाय की निशानी है, जिसे उसका पति उठाता है और जिंदगी की नई सूरत दिखाता है। लेकिन तुम तो आधी हिंदुस्तानी हो आधी इंग्लिस्तानी हो। गुरूर तुम्हारा जिवर है और जिद तुम्हारी हाया। मैं तुम्हें भले ही पसंद ना हो लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, और खासकर तुम्हारी जिद। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं खुद भी बहुत जिद्दी हूं। सज्जन, अमीरी गरीबी का मेल है हमारा ये मिलाप। अमीर गरीब समझ बुझ कर प्यार से एक हो जाएं, इसी का नाम है सोशलिज्म। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, तुम चुप हो और मैं बोले जा रहा हूं। तुम भी बोल सकती हो लेकिन तुम बोलना नहीं चाहती। ऐसे मौके पर लड़कियों का शर्मा जाना लाजमी है। शायद तुम भी शर्मा रही होगी यही सोचकर कि किस गवार जाहिल से पाला पड़ गया। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ। मत छुओ मुझे। अगर तुम सचमुच एक गैरतमंद इंसान हो तो बिना मेरी रजामंदी के मुझे छुओगे नहीं। ये मंगलसूत्र मुझ पर लाद दिया गया है, जबरदस्ती लाद दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखना, इस जन्म में मेरा दिल तुम्हें पति स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया, इस लिहाज से आज की रात जबरदस्ती करके भी मुझे पति का अधिकार पाने का हक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जब तक तुम अपने दिल से मुझे पति स्वीकार नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। अपनी मां के चरणों की सौगंध। रह नहीं सकता दूर, यही हरी यही दस्तूर, यही हरी यही दस्तूर। दीप से ज्योति सीप से मोती मिलने पर मजबूर, यही हरी यही दस्तूर, यही यही जैसे कच्चे कांच के दर पर
मबरूर यही है री यही दस्तूर यही है री यही दूजे का हाथ न छोड़े भूल हुई तो चोट लगी तो होगा दर्द जरूर यही है रे यही दस्तूर यही है रे यही दस्तूर चांद गगन से फूल चमन से रह नहीं सकता दूर यही है रे यही दस्तूर दीप से ज्योति सीप से मोती मिलने पर मजबूर यही है रे यही दस्तूर यही है रे यही दस्तूर हिचकी लग गई तो अपने हाथ से सर थपथपा लो। मैं तुम्हारा पसंदीदा पति नहीं हूँ और छूना मना है। ये लो दो। माँ लक्ष्मी चाची काकी जमू की माँ जल्दी आओ बिना टिकट का तमाशा देखो कैसे पेट की हाथ में घमंड का फौलाद निकल कर बम बन जाता है। अरे किसने ठीक कहा है पेट खाली तो ईमान खाली। क्या ढका पड़ गया भूखी बिल्ली बावर्ची खाने का खाना खा गई। सुबह उठकर हम लोगों को बासी खाने का एक निवाला तक नहीं मिलेगा ठंडिया चाट गई और तुम लोग किसके लिए फागे कर रहे थे कि ये नहीं खाएगी तो हम लोग नहीं खाएंगे। अरे मुझे तो लगता है रात को चुरा कर सब खाना खा जाती है। देखो देखो कैसे चोर की तरह देख रही है। चुप अपनी पत्नी का इस तरह मजाक उड़ाती। अरे मजाक का मां मैं तो खुशी के मारे चीख उठा हूं अपनी घरवाली ने खाना खा लिया। बड़ी चोर है मेरी पत्नी। रोइए मत दादी भैया का स्वभाव ही ऐसा है हर बात में हंसी मजाक और दिल लगी। ये आपका अपना घर है आप कहती लक्ष्मी चलो मेरे लिए खाना बना दो तो मैं रातों रात उठकर आपके लिए खाना बना देती। बोली अभी बना दो गरम गरम खाना। नहीं इस वक्त मेरे तन बदन में ऐसी आग जल रही है कि बेशरम बनकर खाया हुआ बासी खाना भी दोबारा उबल कर मेरे पेट में पक जाए। मुझे इतनी मेहरबानी दिखाई बस इतना ही काफी है। सौ साल जियो बेटी झुक झुक जियो। अभी भी हम तेरी बात कर रहे थे। सौ साल उम्र है मेरी बेटी की। हाँ नहीं दादी नहीं ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। सौ साल तक मैं ये दुख नहीं झेल सकती उस नरक में नहीं रह सकती। मेरी खुशियाँ मेरे अरमान मेरा सुख सब कुछ चलकर राख हो गया है। ये कैसा अन्याय किया है आपने मेरे साथ। कौन से जन्म का आपने मुझसे बदला लिया है बोलिए। बस बेटी बस रो मत बेटी रो मत। तेरे साथ कोई नहीं आया वो अकेली आई है क्या। हाँ माँ मैं अकेली आई हूँ। घर में बताकर आई है या नहीं। अरे तुमने तो बिल्कुल वकील की तरह जरा करना शुरू कर दिया। बेटी को देखकर खुशी नहीं हुई बस बोलती जा रही हूँ अकेली आई हो पूछकर आई हो या नहीं आई हो बेटी से ज्यादा तुम्हें इस टीवी कर। अरे बात से मिलने आई है किसी से पूछने की क्या जरूरत है।
डैडी, आपसे मिलने के लिए दिल बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए चलिए। अब मैं वहां नहीं रह सकती। ठीक है बेटी, अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, आज से तुम यहीं रहोगी। नहीं डैडी, अब हम इस गांव में ही नहीं रहेंगे, यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। कंचन, शरीफ खानदान की बेटियां जान दे देती हैं, लेकिन भूल कभी ऐसी बात जबान पर नहीं लाती। इतनी शिक्षा, इतनी तालीम के बाद तुमने यही सीखा? देखो पद्मा, इस वक्त मैं किसी फजूल बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अरे तुम्हारी बेटी है, दुखी है, इसे दिलासा देने की बजाय उल्टा नसीहत के कड़वे घूंट पिलाने शुरू कर दिए तुमने। आपका ये मीठा प्यार किसी दिन इसके लिए जहर बन जाएगा, और मेरी ये कड़वी नसीहत किसी दिन इसके लिए अमृत साबित होगी। ओहो, चल बेटी चल, ये सटे आ गई है, इससे बहस करना बिल्कुल फजूल है। चल 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 चल। क्या इधर क्यों आए? चुप है कंचन, कंचन उसे क्यों पुकार रहा बे? अच्छा बे, तो सुन बे, तू मेरा साला और मैं तेरा जीजा हूँ बे, और मैं अपनी घरवाली को ले जाने आया हूँ बे। वो तेरे साथ नहीं जाएगी बे, तेरे को जो कानूनी कार्रवाई करनी हो कर ले, सरपंच बनने की दो जमाने आए क्या? जा बुला ले अपनी पंचायत को और नाक रगड़ कर विनती कर कि हमने तेरी पत्नी को अपने घर में कैद करके रखा है और हम उसे तेरे घर नहीं भेजेंगे। लेकिन बेटे, इसका जवाब है हमारे पास। जिस तरह तुम्हारी बहन उसके पति को पसंद नहीं करती और तुमने उसे घर में बिठा कर रखा है, उसी तरह हमारी बहन तेरे को पसंद नहीं करती, इसलिए हमने उसे घर में बिठा कर रखा है। अबे वो अकल के कमजोर और नाम शक्ति सिंह, अगर आज मेरा जीजा मुझसे कहे कि वो अपनी पत्नी को घर ले जाना चाहता है बे, तो मैं उसे खुशी से बाजे गजे के साथ आज ही रवाना कर दूंगा बे। तुझ बुजदिल की तरह अपने घर में छुपा कर नहीं रखा है, समझा बे? तो तुम बाप के घर आकर ऊपर पहुंच गई हो, लेकिन ज्यादा मत उड़ो, नहीं तो ऐसे गिरोगी कि इज्जत के साथ साथ हाथ पैर भी टूट जाएंगे और बेइज्जती की अपाहिज वाली जिंदगी गुजारती रोती रह जाओगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की यह हालत हो, इसलिए आज मैं तुम्हें कहकर जा रहा हूं, कल तक शराफत से घर चले आना, नहीं तो मैं तुम्हें सरे बाजार खसीटता हुआ ले जाऊंगा, याद रखना कल तक, समझ गई ना? देखो चंडी मामा। अरे मुझ पे भोंकने की क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे जख्मों पे जूता रगड़ने आया हूँ। क्या मतलब दवा लगाने आया हूँ? मैं शराफत से अपने रास्ते बजा रहा था तो तुम्हारा दामाद मुझको मिला, कहने लगा मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। अरे दूसरी क्या, वो 50वीं शादी करे, हमें क्या लेना देना? अच्छा 50वीं कर ले बेटी, अगर वो 50वीं शादी करेगा ना तो तुमको कोई 50 साल की बीवी नहीं मिलेगी। जिस आदमी की ब्याहता बहन अपने घर में बैठी रहती है, लोग उसके दरवाजे पर थूकते तक नहीं, बेटी देना तो दूर की बात है, कोई अपनी बेटी नहीं देगा तुमको। बकवास बंद करो चंडी मामा, मेरी शादी हो ना हो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यार ठाकुर, तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ है। नहीं नहीं, तुम तो समझदार हो, कम से कम मेरी बात तो मानो, कंचन को उसके घर भेज क्यों नहीं देते? मैं पूछता हूँ चंडी दास, तुम क्यों हमेशा रवि की तरफ जारी करते रहते हो? ये तो बताओ कि तुम हमारी तरफ हो या उसकी तरफ? चारों तरफ। मैं उसकी गिद्दड़ भपकियों में आकर अपनी बेटी को वहां भेजने वाला नहीं। कब तक नहीं भेजोगे? सारी जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूँ। मतलब 2 दिन और नहीं भेजोगे? क्या मतलब? नहीं मतलब 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन तुम्हारे सड़ गए, 2 दिन रखड़ के, बाकी तो कुछ बचा नहीं। चल चल चल, ऐसी बात नहीं है। आउट, मैं समझा इन्होंने कुत्ता पाला, कुत्ते ने इनको पाला हुआ है। कंचन, उन्होंने तो फैसला कर लिया है, तुम भी फैसला करके बताओ तुम्हें क्या करना है। मैंने फैसला कर लिया है माँ, ससुराल जाने का नहीं, यहीं रहने का। अगर तुम वहां नहीं जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी का क्या अंजाम होगा, जरा सोच के देखो। बहुत सोच विचार करने के बाद ही मैं इस फैसले पर पहुंची हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें ना हो लेकिन हमें तो है, क्योंकि हम लड़की वाले हैं। कंचन, लड़की की शादी सिर्फ एक बार हुई, और तुम्हारी शादी हो चुकी है, उसने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाकर तुम्हें स्पर्श कर लिया है। तो क्या हुआ, महज आदि गज की डोरी की खातिर मैं अपने सारे अधिकार गंवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अपने जज्बातों का गला तो घोट ही दिया है, लेकिन अब अपने अरमान, अपनी आजादी और अपने आदर्श, इन सब की कुर्बानी देकर एक गुलाम की तरह किसी और आदमी की खातिर जीना मुझे मंजूर नहीं है माँ। जीना तो तुम्हें होगा, मगर मेरे लिए ये मंगलसूत्र एक फांसी का फंदा है। फांसी का? अब तुम्हारे चाल चलन पर मुझे शक होने लगा है माँ। कहीं किसी और के साथ तो तुम्हारे नाजायज संबंध नहीं, जिसकी वजह से तुम रवि के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती? नहीं, तो फिर क्यों उससे नफरत करती हो? क्या वो अंधा है, लूला है, लंगड़ा है? हाँ गरीब जरूर है, और थोड़ा जिद्दी है, लेकिन क्या तुम नहीं हो? बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपनी पसंद और नापसंद के बीच समझौता कर सकती हो।
तुम्हें उसे भगवान समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान तो समझ सकती हो। अगर फिर भी तुम्हें यहीं रहना है तो खींच कर निकालो अपने गले से ये मंगलसूत्र और जाकर दे आओ उसे। क्या हुआ, अभी तो चिल्ला चिल्ला कर बहस कर रही थी, अब क्यों चुप हो गई? मतलब ऐसा करने की तुम्हें हिम्मत नहीं है ना? तुम्हें क्या, इस धरती पर जन्म लेने वाली कोई भी स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। तुम कह रही थी ना कि ये तुम्हारे गले में फांसी का फंदा है, लेकिन फिर भी हमारे देश की स्त्रियों के मन में न जाने क्यों इसके लिए भक्ति और आदर की भावना है। इसलिए एक बार और सोच लो, फिर फैसला करो। एक रस्सी मेरे गले में बांधकर मेरा जीना हराम कर दिया, अब दूसरी रस्सी से मेरा मरना नाकाम करना चाहते हो? इसलिए कि अगर मैं अचानक मर गई तो मुझे तड़पा तड़पा कर मारने की खुशी तुम्हें नसीब नहीं होगी। और तुमने ये रास्ता क्यों अपनाया मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरा मुकाबला ना कर सकी और हार गई, इसीलिए तुमने तालाब में छलांग मारने का फैसला कर लिया ताकि तुम्हारे खून का इल्जाम मेरे सर पर आए। पको मत, मुझे इस फैसले पर मजबूर करने वाले तुम हो। तुम तो मुझे पहले ही मार चुके थे। तुम्हारी जिंदगी का तो एक ही मकसद है कि अपने से ऊंचे लोगों को तुम अपनी तरह नीचा बनाओ। मेरा दोष क्या है? यही कि मैंने एक ऐसे माहौल में जन्म लिया जिनके असूल तुम्हारे असूलों से अलग है। इसलिए एक स्त्री के लिए एक पुरुष के दिल में जो हम दर्दी की भावना होनी चाहिए उसे परे रखकर तुमने मेरे साथ हैवानों का सलूक किया है। तुम सचमुच एक इंसान नहीं हैवान हो। रो, जी भर कर रो, ताकि तुम्हारे सर पर जो जुनून सवार है वो उतर जाएगा। तुम्हारा इल्जाम यही है ना कि मैंने तुम्हारी खुशियों का खून कर दिया है? मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसने तुम्हारी खुशियों को मिटाया है तुम अपने हाथों से उसे मिटा दो, ताकि तुम्हारी खोई हुई खुशियां फिर से लौट आए। लो मैं तैयार हूं, निकाल लो अपना गुस्सा मुझ पर, धकेल दो मुझे इस तालाब में। यहां आते वक्त तुम्हारे मन में जो खुशी नहीं थी जाते समय तुम्हारे मन में जरूर होगी, दे दो धक्का मुझे। झिझक क्यों रही हो? अगर मेरी मौत तुम्हारी जिंदगी संवार सकती है तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूं। बस और धक्का दे दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे तीन गिनने तक मुझे धक्का मार के तालाब में गिरा दो। एक, दो, तीन। तुम्हें हिम्मत नहीं है, बुजदिल हो तुम, इसीलिए तुम मरने के लिए चली आई। गरीबों को तुमने एकदम नीच समझा है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ जीना पसंद नहीं। तुम्हें मेरे साथ जीने के लिए मजबूर करने वाला ये कला धगाई है ना, एक बार, सिर्फ एक बार तुम मुझे छूने की इजाजत दो, मैं खुद उस धागे को तुम्हारे गले से निकालकर फेंक देता हूं। उसके बाद तुम आजाद हो, जहां चाहे जा सकती हो, जो चाहे कर सकती हो, लेकिन जब तक मैं हूं तुम मर नहीं सकती। और सुनो, आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर अपने मैके नहीं जाओगी। चलो घर चलो। शादी? और मैं तुमसे कभी नहीं। मगर क्यों, तुझे क्या ऐतराज है? देखो मेरे प्यार के तोते, तुमने अभी तक रंभा को सिर्फ सूंघा है, उसे पहचाना नहीं। तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना? वो तुम्हारी गलत फहमी थी, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं, मैंने तो जानू तुम्हें सिर्फ ठासा था, वो भी इसलिए कि तुम्हारे कंधे पर सवार होकर रवि को ठोकर मारूंगी, उससे अपना बदला लूंगी। रवि? ये हमारी कहानी में रवि कहां से टपक पड़ा है? कहानी तो रवि से ही शुरू होती है प्यारे, बीच में तो तुम आ गए हो। मैं मरती थी उस पर, उसके सामने अपना दिल रख दिया, खुद को उसके हवाले कर दिया, मगर उसने मुझे ठुकरा दिया,
सलील करके धुतकार दिया। मेरे मन में बदले की आग उठी। मैं किसी भी हालत में उससे बदला लेना चाहती थी। मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हारे जरिए मैं उसकी बहन का घर उजाड़ सकती थी, और यही सोचकर मैंने तुम्हें फांसना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत चाहता है। उसका घर बचाने के लिए वो मेरे पास जरूर आता। अबे कमीनी! ए ए ए! मैं कोई तेरी बीवी नहीं जो मार खा के चुप हो जाऊंगी। एक उंगली लगाएगा तो चिल्ला चिल्ला के सारे गांव को जमा कर लूंगी, समझा? अबे चल निकल जा, बाहर निकल। अब तेरे घर में बच्चा ही क्या है, तेरे जैसे तो हजार नौकर रख सकती हूँ मैं। जरूरत हो तो आ जाना। अबे चल निकल जा। मैंने आपसे कब कहा कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ? तो मैंने तुमसे कब कहा कि तुमने मुझसे कहा कि तुम दूसरी शादी करने वाले हो? क्या मतलब? मतलब ये कि इन्होंने बंडल मार दिया। लेकिन क्यों? अरे भाई, तुम्हारी बीवी अपने बाप के घर जाके बैठी हुई है, तुम्हारी बेइज्जती होगी कि नहीं? गांव वाले कैसी कैसी बातें करते हैं, इसलिए मैंने कहा भाग। इसको कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अरे ठीक से बोलो। इसको कहते हैं बुखार चढ़ाकर बुखार उतारने वाला नुस्खा। अरे कैसा नुस्खा? ये वो नुस्खा है जो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। देखो, अगर किसी औरत को ये पता चले कि उसका मियां दूसरी औरत से शादी करने वाला है तो उसके मन की कड़ाई में उबाल आ जाएगा, और अगर किसी मर्द को ये पता चले कि उसकी बीवी किसी और मर्द का हाथ थामने वाली है तो उसकी मर्दानगी खतरे में आ जाएगी। ऐसा बारूद बन जाएगा जो आग से तो आग से पानी से भी आग पकड़ लेगा। इसको कहते हैं एक दिया सलाई से दो धमाका। ऐसा लगा मेरा नुस्खा? नीम हकीम, खतरा है जान जैसा। बोलो बेटा, अभी बोलो। जिस दिन धमाका होगा पूरा गांव धमाके से हिल जाएगा, तब तुमको मेरे नुस्खे की कदर होगी। अरे बहुत अच्छे। क्या बात है, आज काम करने वाली औरतें कम लग रही हैं। ए तुलसी, तेरी बहन काम पर नहीं आई? घर में छोटे बच्चे को बहुत बुखार चढ़ा है, इसलिए नहीं आ पाई। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। आज शाम तक सारे पौधे लग जाने चाहिए, और दो मजदूर कम पड़ते हैं। घर आज अपनी घरवाली को लगाता हूँ। सुनो, आज एक दो मजदूर औरतें काम पर नहीं आई, चलो तुम शुरू हो जाओ। अरे रवि भैया, रोपाई का काम ये क्या जाने? नहीं जानती तो क्या, बाकी औरतें क्या माँ के पेट से सीख कर आई हैं? आंखें देखेंगी हाथ काम करेंगे। आ जाओ मैदान में, आ जाओ। अरे घूर के क्या देख रही हो, कीचड़ में कदम रखते हुए पांव झिझक रहे हैं क्या? उस दिन तो बहुत रोक झाड़ रही थी, ये हमारी जमीन है, मैं ये करूंगी वो करूंगी, आओ करो। अरे चलो। जल्दी जल्दी। भगवान से प्रार्थना करो फसल अच्छी होनी चाहिए, और सबको देख देख कर लगाओ। ओ क्या मिनिस्टर की तरह पेड़ लगा रही हो? देखो कैसे लगा रही है, वैसे लगाओ। ए छोकरी, मेरी चप्पल कीचड़ में खराब होगी, जरा साफ करने से। लोबान, तुम मेरे बाप से रोज 100-100 थप्पड़ खाते हो, वो भी कस कस कर। तुम ये नौकरी छोड़कर दूसरी क्यों नहीं कर लेते? अब पता चला तुम पर असर ही नहीं होता। अबे जा, तू क्या खाक समझा? बिल्कुल नहीं समझा। असल कहानी का ढक्कन तो मैंने तेरे सामने खोला ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर तू वादा करे कि ये राज तू अपने बाप पर भी जाहिर नहीं करेगा तो मैं तुझको बता सकता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो लोभन, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सच्चाई ये है कि जब से शैतान ने मेरे गाल का चुंबन लिया था, तब से मेरे गाल में इतनी खुजली उठने लगी कि उसको मिटाने के लिए कस के जूता मारना पड़ता था। अब तुम ही सोचो, अगर दिन में 100 बार मेरे गाल पर मुझे कस के जूते मारने पड़े तो मेरा क्या हाल होता है। नंबर एक, हर हफ्ते नया जूता बदलना पड़ता। नंबर दो, कंधा जड़ से उखड़ जाता। नंबर तीन, कस के जूते मारने के लिए मेरा पूरा वक्त गुजर जाता, तो मैं खाता और कमाता कहाँ से है? उल्टा मुझे एक नौकर रखना पड़ता जो दिन में हर 5 मिनट के बाद मेरे गाल पर कस के जूते मारता। दरअसल ये मेरी चालाकी है,
कि मैं तेरे बाप के पास नौकरी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तेरा सरियल बाप 20 साल से मेरी नौकरी कर रहा है। वो कस के थप्पड़ मारता है और मेरी खुजली मिटाता है और साथ में पैसे भी देता है मेरी भूख प्यास मिटाने के लिए। बेवकूफ, अब तुम ही बताओ दुनिया में इससे वफादार नौकर कहीं किसी को मिल सकता है? नहीं। मगर अगर तेरा बाप ये समझता है कि मैं उसकी नौकरी करता हूँ तो वो सयाना नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ है। अच्छा, तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ है? चंडी दासी नमस्ते। हम नहीं समझते, माफ करना मेरी काली जबान से कुछ बदतमीज के शब्द टपक पड़े। मारिए, कसके मारिए। नहीं मेरे प्यारे लुबान, मेरे कदरदान, मेरे उगाल दान, मेरे शराफत के पान दान, आज से मारना बंद। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मुझे पीठ पीछे तो क्या, अगर सामने भी खड़ा होकर गाली देगा ना तो मारना तो एक तरफ, मैं तुझे छूंगा भी नहीं, क्योंकि तुझे से शराफत के पुत्ते को मारना महापाप है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कौन कहता है कि मैं शरीफ हूँ? मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ। हाँ, वो तो मालूम है। कुत्ता हूँ, बल्कि कुत्ता भी जिसे कुत्ता कहे मैं वो कुत्ता हूँ। अच्छा, आपकी थाली में खाकर आपकी पतीली में छेद करता हूँ। मारिए। नहीं, अब तुम किसी भी चीज में छेद करो मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम शरीफ खानदान के चश्मों चिराग हो और मैं थप्पड़ मारूंगा तो चिराग बुझ जाएगा, इसलिए नहीं बुझाऊंगा। अरे बेवकूफ, मारना। आहा, मूर्ख, वाह, उल्लू का पट्टा, क्या बात है, कमीना, आहा, कुत्ता, वाह, सड़ा हुआ हाथी, आहा, उल्लू। ऐसी तारीफ मेरी आज तक किसी ने भी नहीं की। एक थप्पड़ नहीं मार सकता कंगी? बिल्कुल नहीं मारूंगा। मैं एक थप्पड़ की भीख मांगता हूँ। मैंने भीख देना बंद कर दिया है। अरे एक थप्पड़ का सवाल है बाबा। जैसे तेरे बाप का माल है बाबा। रहम रहम महाबली, थप्पड़ दे। कहाँ चली? वो देखो, वो रही तुम्हारी प्यारी सहेली और हमारी कंचन भाभी। हाय कंचन। हाय कंचन। अरे ये क्या, तुम खेत में काम कर रही हो? हम लोग मुंबई जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी साथ ले चले, लेकिन जब तुम्हारी हवेली पहुँचे तो पता चला कि किसी अनपढ़ गवार जानवर चाहे के साथ तुम्हारी शादी हो गई है, और वो भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। सुनिए, इन्हें मजदूरों की तरह काम मैं करवा रहा हूँ, और वो अनपढ़ गवार जाहिल जानवर मैं हूँ। इस जानवर को रवि कहते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस बात की? एक पढ़ी लिखी एडुकेटेड लड़की से गवारों का काम करवा रहे हो, उसकी काबिलियत को बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, अगर पति पत्नी को दफ्तर में काम करवाता तो पत्नी की काबिलियत का सही इस्तेमाल होता, क्यों? बिल्कुल, वरना एजुकेटेड होने का फायदा क्या? ऐसे गर्दन झटकाने से सच्चाई झूठ में नहीं बदल जाएगी। अगर तुम जैसे पढ़े लिखे ऑफिसों में काम करने के बजाय इस देश की धरती पे खेती करें तो ये महान देश खिल उठेगा, हरा इंकलाब आएगा। आज ये देश गरीब है, कल ये सोने की चिड़िया कहलाने लग जाएगा। My, my God, now I started talking like that, Gandhi. Don't you utter that name without respect. Consider yourself lucky that you are born on this pious land where the noble Atma had taken birth. You ill-informed brats, you don't deserve to be called Indians. You should be thankful to God that we work hard in the burning sun to grow crops for you worthless creatures. Now get lost and don't step on this land again with your dirty feet. Get lost! तुम पढ़े लिखे हो? नहीं, सिर्फ पढ़ा हूँ, लिखा नहीं, क्योंकि मैंने कलम की बजाय हल पकड़ लिया। अरे बाप रे, इसने तो सबकी छुट्टी कर दी। कंचन कई काम से पहले पे पहला निकला। Thank you.
बेचारी पर खामखा जुल्म कर रहा है। बड़े घराने की बेटी है, दौलत की छांव में पली है। तूने तो इस बेचारी को तपती धूप में झुलसा कर रख दिया। खड़े खड़े देख क्या रहा है? जल्दी से डॉक्टर को बुला के ला। जा ना, जा। भाभी, आपके लिए जोशानदार देसी दवा बनाकर पिला दो तो आपके माता पिता को बुला ला। आप अपने घर जाना चाहते हैं? अब तो मैं अपने पिताजी को बिना मुंह दिखाए ऐसे ही मर जाऊं तो अच्छा है। बेटी को मिलने के लिए इस तरह चोरी छुपे आने की क्या जरूरत है ठाकुर साहब? आपकी बेटी यहां रहती है, आपको उससे मिलने का पूरा अधिकार है। औलाद को दुखी देखकर बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मेरी भी मां है, बाप है, बहन है और दिल भी। बुखार ज्यादा है, थोड़ी थोड़ी देर से कपड़े को नमक के पानी में भिगोकर इनके सर पर रखिए। बुखार कम नहीं हुआ तो फिर मुझे बुला लीजिए।
आइए छोटे ठाकुर आइए। मुझे कंचन से मिलना है। जी हाँ, अंदर आके मिलिए ना। मैं सिर्फ मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि उसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आप उन्हें इस हालत में कैसे ले जा सकते हैं? तेज बुखार की वजह से नीम बेहोशी की हालत में है। वो किसी भी हालत में हो, मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। उसे यहाँ मरने नहीं दूंगा। अगर उसे मरना है तो हमारे घर में मरे, इस दम घुटने वाले झोपड़े में नहीं। तो फिर आप यहीं रुकिए। इस वक्त माँ और भैया घर पर नहीं है। वो आ जाए, उनसे पूछ लीजिए, उनसे इजाजत लेकर आप भाभी को ले जा सकते हैं। अपनी बहन को ले जाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की कोई जरूरत नहीं। और उनकी इजाजत के बिना अपनी भाभी को ले जाने की इजाजत तो मैं भी नहीं दे सकता। तू कौन होती है मुझे रोकने वाले? मैं कौन होती हूँ ये आप अच्छी तरह जानते हैं, बताने की जरूरत तो नहीं है। जानता हूँ। अपने पति की ठुकराई हुई औरत, अपने मनुष्य साय से खुद के घर को बर्बाद करने वाली मनुष्य औरत है तू। पहले चौकट से कदम बाहर निकालिए। बकवास बंद कर। हट। रास्ता बगा। जब तक तुम अपने दिल से मुझे पति स्वीकार नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। अपनी मां के चरणों की सौगंध। देखभाल और प्यार की हकदार नहीं हूं, मुझे मर जाने दो। ऐसा मत कहो, पगली कहेगी। तू अभी बच्ची है, हर माँ अपने बच्चों से तंग आकर इस तरह नाराज हो जाए तो दुनिया का कोई बच्चा बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं बीते हुए कल को भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा, बिल्कुल भूल जा। माँ जी, कितना बड़ा दिल है आपका, मैं अपनी हरकतों पे बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो अपनी इस गुनहगार बहू को क्षमा कर दीजिए। मैं जिस घर में बहू बनकर आई हूँ, ये घर घर नहीं मंदिर है, और आप हमारे लिए भगवान हैं। मेरी बच्ची, आज माँ, मैं भैया को जाके बता के आती हूँ कि भाभी ठीक हो गई। क्यों रे चम्मक चलो, उस दिन तो बड़ी सती सावित्रियों जैसे बातें कर रही थी, अब आधी रात को कहाँ से और किस यार से मिलकर आ रही हो? जबान संभाल कर बात करो शक्ति सिंह, मैं अपने भैया को तलाश कर रही हूँ। वो कमीना भी कहीं गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। कुत्ते कहीं के, मेरे भैया ने तुम्हें इस तरह मुंह से गंदे शब्द निकालते हुए सुन लिए ना तो तुम्हारी जबान काट देंगे। अरे जा जा जा, अपने भाई का हुआ मत बना। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल, छुछुंदर के सर में चमेली का तेल। अरे तेरा भाई कौन सा गैरतमंद इंसान है जो आधी रात को रंग रलिए मनाने के लिए तुझे बाहर छोड़ देता है और खुद चादर ओढ़ कर सो जाता है? मना तो उस हराम के पिल्ले को चाहिए, और वो भी चुल्लू भर पानी में। अब मैं इस अपमान को तेरी साड़ी के साथ पहुंचूंगा। चल!
तूने मेरे मुंह पे थूका था ना। अब ये हुलिया लेकर गांव के अंदर जा, हर गली हर घर का आदमी तेरे मुंह पे थूकेगा। तेरे भाई ने मेरी बहन की इज्जत को उछाला था, मैं उस हरामजादे की इज्जत को मिट्टी के अंदर मिला दूंगा। हमारे खानदान का सर झुकाया था उसने, अब उस कमीने का सर झुक जाएगा जब वो सूर्या के बारे में ना किसी से कुछ कह सकेगा और ना कुछ सह सकेगा। हमारे खानदान पर तो कीचड़ उछला था, आज उसका बदला पूरा हो गया। कम ऑन एडवर्ड। खानदान को जलाकर राख ना कर दिया तो मैं अपनी माँ का बेटा नहीं। खुदा की झोली में तुम्हारी बहन की इज्जत भी जलकर राख हो जाएगी। आज तक मैं एक ही आस पर जी रही हूँ कि कभी तो मेरे पति का दिल बदलेगा, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, मुझे स्वीकार करके अपने घर ले जाएंगे। लेकिन तुम्हारी लगाई हुई आस इस गाँव में तो क्या आस पास के 50 गाँव में मुझे बदनाम कर देगी, फिर वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। और तुम्हारी बहन सुहागन होते हुए भी विधवा की मौत मर जाएगी। लक्ष्मी, लोग इसी तरफ आ रहे हैं, अगर तू चाहती है ये बात किसी को मालूम ना हो तो जल्दी यहाँ से भाग जा। और तुम? मेरी परवाह मत कर, वरना सबको पता चल जाएगा। जा तो भाग जा लक्ष्मी, भाग। नहीं। तुझे मेरे सर की कसम, भाग। अच्छा तो ये आग तूने लगाई है? हाँ, ये आग लगाकर मैंने तेरी चिता तैयार की है, मारो साले को। Oh, my God.
और पंचायत के सामने हाथ लगा दो। केजरीवाल से चल काले कुत्ते। ये क्या, ये खड़े खड़े समूह क्या देख रहे हैं? कोई पूछे इस कमीने से कि मैंने क्या बिगाड़ा था इसका, इन गांव वालों ने क्या बिगाड़ा था इसका कि मेरे अनाज के साथ साथ इन बेचारे गांव वालों का अनाज भी जला डाला इसने। कोई पूछे इससे। अरे बोल, चुपचाप क्यों खड़ा है? बोल, क्यों आग लगाई थी तूने गोदाम में? क्या कसूर था ठाकुर साहब का? क्या पाप किया था इन्होंने? वो क्या पाप था सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरा भगवान जानता है और पाप करने वाला जानता है। मैं उस घिनौने पाप का जिक्र अपनी जबान पर लाना भी नहीं चाहता। कौन सा पाप? किसने किया पाप है? मुझे बता। अरे मुझसे बात कर कमीने, नजरें झुकाए क्यों खड़ा है तू? नजरें झुकाकर इसलिए खड़ा हूँ कि मेरी आंखें तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखना नहीं चाहती। देखो साले हराम खोर को, एक तो रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर भी ना तो उसका घमंड कम हुआ ना इसकी चर्बी कम हुई। गरीबों के शरीर पर तुम दौलत वालों ने चर्बी छोड़ी कहां जो कम होगी? गरीबों का खून चूसकर चर्बी तो तुम लोगों ने अपने शरीर पर चढ़ा रखी है। लेकिन याद रखना, जब तुम लोग मरोगे तो तुम्हारी चिता की आग बनकर तुम्हारी मनुष्य चर्बी तुम्हें जलाने से इनकार करेगी। जंगली जानवर और कुत्ते तुम लोगों को लोच लोच कर खाएंगे। देखा है अपने बेटे की जहरीली जबान को? अरे ये तेरे सामने तेरे मालिक का अपमान करता जा रहा है और तू खड़े खड़े सब कुछ सुन रहा है? तू है तेरी वफादारी पर? नहीं मालिक, आप हुक्म दीजिए, आप जो कहे वो सजा मैं इसे देने को तैयार हूँ मालिक। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो संतोष से इसे इतना मारता के साथ मरा कर देता और तब तक मारता रहता जब तक ये उसकी वजह नहीं बता देता और अपने किए की माफी नहीं मांगता। सांस ले लीजिए बाबूजी, थोड़ा पानी पी लीजिए, अब थक गए हैं। बहुत हो गया नाटक, तू हट बुढ़े। ठहरो, तुम कौन होते हो इन्हें इतना सजा देने वाले? और तू कौन होती है इसकी तरफदारी करने वाली? मैं कौन होती हूँ? तुम्हारे पिता ने एक जुआ खेलकर इनके और मेरे बीच एक रिश्ता कायम किया था, याद है ना? उस रिश्ते के हिसाब से मैं इनकी पत्नी लगती हूँ। बड़ी पत्नी बनने वाली? अब तुम्हें इसका खून बहाने का कोई हक नहीं है। चंडीदास, ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ। जानते हो कितना बड़ा अपराध किया है इस कमीने ने? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो कौन कमीना है जिसने अपराध किया है, और ये भी जानता हूँ कि ये गैरतमंद इंसान बेगुनाह होते हुए भी अपनी जबान बंद किए तुम्हारा हर जुल्म सहता जा रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकता नहीं हूँ बल्कि फरमा रहा हूँ, और अगर मेरा फरमाना तुम इस दामू की जबानी सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन फट जाएगी और पूरे दब जाओगे अंदर। कोई अपनी जबान नहीं खुलेगा। नहीं रवि, मेरी इज्जत रखने के लिए तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया। लक्ष्मी अगर तुम्हारी बहन है तो मेरी पत्नी भी है, उसकी इज्जत पहले मेरी इज्जत है, बाद में तुम्हारी है, और उसके बाद इन गांव वालों की है जिनकी ये बेटी है। अरे क्या आपस में पंचायत बनाकर फैसला कर रहे हो? मुझे बताओ कौन बेटी, किसकी इज्जत, किसकी पत्नी? मैं बताता हूँ किसकी पत्नी। नहीं दामू, कुछ नहीं बताना। मेरी पत्नी लक्ष्मी, जिसका वस्त्र हरण तेरे जलील और कमीने बेटे ने किया है। रात के अंधेरे में मेरी पत्नी की आबरू को अपने हवस की आग में जलाने की कोशिश की, इसलिए मेरी पत्नी ने जलकर तेरे गोदामों में आग लगा दी। अबे हरामजादे नामर्द की औलाद, एक मजबूर लाचार औरत के साथ जोर आजमाई करता है? अगर तू मर्द है और यह मूछ दुनिया को धोखा देने के लिए नहीं रखी है तो ले, ये तेरे सामने खड़ी है, छू कर बता इसे हरामजादे, छू कर बता। मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा मैं। इस कुत्ते को सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा रवि। इसे सजा मिलेगी, सारे गांव के सामने मिलेगी। करो तुम, चलो ठाकुर उठाओ ये कोड़ा और उधेड़ दो इसकी खाल, मारो इसको, इसकी रगों से इसका पापी खून निचोड़ डालो। सोच क्या रहे हो, तुम्हें सजा देनी होगी इसको, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक बेगुनाह बेटी को उसके बाप के हाथों पिटवाया है। तुम्हें अपने गुनहगार बेटे को सजा देनी होगी। चलो ठाकुर उठाओ, उठाओ, बस इतना इंसाफ करना जानते हो तुम? गोविंद, गोविंद, गोविंद,
तुम सारी जिंदगी इन शैतानों की वफादारी करते रहे और आज उसी वफादारी के बदले इन्होंने तुम्हारी बेटी के दामन पे हाथ डाला है। आज मौका है गोविंद, अपनी वफादारी की कीमत वसूल कर लो इन शैतानों से, आगे बढ़ो, वरना कल कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत नहीं बचा सकेगा, कल कोई भाई अपनी बहन की आबरू नहीं बचा सकेगा। आगे बढ़ो गोविंद, चलो गोविंद आगे बढ़ो। ठाकुर, आज तक तेरी हर ठोकर में सहता रहा, तेरा हर जुल्म हुक्म की तरह सहता रहा, जहां तेरा पसीना बहा वहां मैंने अपना खून बहाया, और आज तेरे इस नापाक खून ने मेरे खून की ये इज्जत की, मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की। चल चल उठा हंटर और मार इसे, कस के मार, जैसे मैंने आज अपने बेगुना बेटे को मारा। चल उठा हंटर, मार। बड़े आदमी का चोला पहनकर बड़ेपन का ढोंग रचाने वाला इंसान अगर छोटी हरकतें करे तो जरूरी नहीं कि उनसे बदला लेने के लिए हम भी छोटे बन जाएं और इंसानियत को भूल जाएं। अरे ये कहे के बड़े हैं, इनके पास तो बहुत दौलत है जो कभी भी खत्म हो सकती है, चोरी हो सकती है, लेकिन हम गरीबों के पास तो इज्जत की दौलत है, शराफत का खजाना है जो ना कभी खत्म हो सकता है ना चोरी हो सकता है। हम इनकी तरह शराफत के गरीब नहीं, हम बहुत अमीर हैं, और आज हम अमीर इन शराफत के गरीबों को माफ करते हैं, यही इनकी सजा है। भाइयों, मेरी तरफ से इन लोगों को माफ कर दो। हाँ, और जाओ अपना अपने घर जाओ। चल लक्ष्मी, घर चल। मेरा सारा शरीर जख्मों से भरा हुआ है, अब तुम मुझे छू रही हो। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे ना छूने की, अपने माँ के चरणों की जो सौगंध खाई थी, आज तुम्हें खुद छूकर मैं तुम्हें उस सौगंध से आजाद करती हूँ। मेरे सर की कसम, नहीं, तुम्हारे चरणों की सौगंध।